है, हमारे शरीर में सांस से प्राण बनते हैं, तो जो और प्राणों से पूरे शरीर की सुरक्षा होती है। सांस जिस रिदम में चलती है उस रिदम को हम गायत्री कहते हैं। तो वह रिदम जो हमारे शरीर में बाहर भीतर सांस को लाने छोड़ने में चलती है, जिससे प्राणों की उत्पत्ति होती है, वह गायत्री है। वही पंच तत्वों को धारण करती है, वही शरीर का निर्माण करती है, वही शरीर का पोषण करती है। तो इसलिए ये इस तरह से गायत्री कहीं नहीं पढ़ाई और कहीं बताई नहीं गई। बराबर। तो जब वो किताब लिखे हम, तो उसमें उन उन पॉइंट्स को लिखें जिस पे कि हमें रोज डिस्कशन करना है। हम उसे डिस्कशन करना शुरू करें, जितना काम का मटेरियल है उसको रखें और बाकी हटा दें। तो इससे क्या है कि आप नेक्स्ट जनरेशन को रिसर्च करने के लिए जगह देकर जा रहे हैं। अदरवाइज किताबों में 90% बकवास ही लिखी है। बराबर है, पर वो मैंने क्या सुना था, हमारे गुरुजी कहते थे कि जानबूझ के अपना जो शास्त्र है उसके मंत्रों को अंदर कुछ ऐसा डाल दिया है कि जो विद्यार्थी बराबर नहीं है वो उसका मिसयूज ना करे। देखो जी, मिसयूज तो एक माँ के 5 बच्चे हैं, जब वो ठीक नहीं निकलते तो उसमें कोई क्या कर लेगा यूज और मिसयूज। वो बराबर है, पर पहले असुर वैसे ले जाते थे और वो उसको खराब करते। मतलब मेरे को तो ऐसा पता है जी, मैंने पिछले 1000 साल के हिसाब से किताबें और मटेरियल उठाकर देखा, मुझे कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये बता दे कि गायत्री का बीज मंत्र क्या है। ओके गायत्री का बीज मंत्र भी नहीं पता। अब पिछले अगर 1000 साल में किसी को बीज मंत्र नहीं पता तो काहे का असुर और काहे का देवता। ठीक है ना। हमने धीरे धीरे इस प्रकार से, आप ये देखिए, आज से 40 साल पहले पूरे हिंदुस्तान में कितनी शराब लोग पीते थे 40 साल पहले, कम पीते और थे, आज कितनी शराब पी रहे हैं। ज्यादा पीते। ठीक है जी। अब 40 साल पहले लोग कितने धार्मिक थे और आज कितने हैं। कम है। तो शराब बढ़ गई और धर्म जो है कम हो गया। क्यों? क्योंकि हमने प्रक्रिया में अपने ही नियम रखे। हमने कभी ये नहीं देखा कि ये बच्चों के लिए ये बात समझ में नहीं आएगी तो उसके तौर पे। इस कारण से मैं मंत्र विज्ञान पे रिसर्च कर रहा हूं। मैं कहीं किसी को बहुत लंबी चौड़ी चीजें नहीं बताता। मैं कहता हूँ ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इससे ये काम बनेगा। तो वो कहता है अगर इससे ये काम बनेगा तो ठीक है। तो धीरे धीरे नास्तिकों ने क्या करा, भगवान की एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चन मार्क कर दी। अब आपका क्योंकि संस्कृत विषय है तो आप उस पर जब काम करेंगे तो बहुत विलक्षण काम होगा। आप बराबर एक जिस जो भी चीज है, मतलब वो किताब का एक प्रिंट आउट रख लीजिए, हम रोज 15-20 मिनट आधा घंटा बात करेंगे और उसमें जो है चर्चा कर लेंगे। किताब इधर मेरे पास भी है, आपके पास भी है, तो एक किताब कंप्लीट हो जाएगी। कौन सी किताब लेनी है? नहीं, जो मैंने ये 2 किताबें भेजी हैं, गायत्री रहस्य या ललिता वरिवास्य, इनमें से कोई सी भी एक जो आपका मन करे वो ले लीजिए। आउट निकाल लेना पड़ेगा ना। उसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा किताब का। तो प्रिंट आउट लेके आप अपने पास में रखिए, जो जो मुझे पता है कि यहाँ पर ये मंत्र होगा, ये प्रक्रिया होगी, उसको ठीक करते चलेंगे। ओके एटलीस्ट हम अपनी आने वाली जनरेशन को एक ऐसी प्रक्रिया तो दे कि जिसमें कि व्यक्ति को भगवान प्रत्यक्ष दिखे, करेक्ट तब तो ब्राह्मण होने का फायदा है। बराबर। नहीं तो सिर्फ है कि भगवान होता है दिखता नहीं है, मतलब इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रहता। अब मेरे तो ग्रुप में, मतलब मैं कम से कम 100-125 लोगों को ट्रेनिंग दे चुका आज तक, और कमती बढ़ती सबको ही थोड़ा थोड़ा भगवान दिख चुका। तो हमारी प्रक्रिया में वो पार्ट है। चलिए आज के प्रोग्राम के हिसाब से शुरू करते हैं। हाँ जी भव्या जी नमस्कार, कैसे हैं आप? शारुजा जी नमस्कार नमस्ते सर। सॉरी, जी। मैं और मेरा बेटा दोनों कोल्ड कॉफ से हो रहे हैं, तो हम मतलब वी आर लॉस्ट। तो तो मेरे देखो, कोल्ड टाइम कफ टाइम हुआ ना, कोल्ड कफ हुआ ना, तो ऐसे करके अपनी क्लीनिंग करो। जितना ज्यादा अपनी और बेटे की क्लीनिंग ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे क्लीन करा उधर फेंका, ऐसे क्लीन सर। करा उधर फेंका, सूरज में डाल दिया, अपने सामने सूरज इमेजिन करो, उसको हाँ ऐसे ऐसे करके क्लीन करो। 100-200 बार ये करो, देखो कितना फर्क पड़ता है।
बेटे का भी कम हो जाएगा, आपका भी कम हो जाएगा, ये प्रैक्टिकल कोर्स है, इसमें थ्योरी की बात नहीं करते। तो नमक वाले पानी पे थ्रो करना है। हाँ, नमक वाले पानी में थ्रो करना है, एक कटोरी में 1 चम्मच नमक और पानी रख लो, और ऐसे पहले अपनी क्लीनिंग करो, मेरे सामने करो, अभी सबके सामने ये चीज हो जाएगी कि फायदा क्या होगा कोर्स का अगर ये सब नहीं करा तो, ये कोर्स मैं है ही नमक चाहिए। हाँ लेके आती हूँ। बिल्कुल ठीक है, रोजा कहाँ है, पुणे में है कि यहाँ घर में आ गई? मेरे ख्याल से सरुदा जी अभी शायद लाइन पर वैसे नहीं है। सर आई एम देयर, आई वोंट बी एबल टू कीप माय कैमरा ऑन, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड मी, सो कोई बात नहीं, कोई कभी, बात नहीं, हाँ जब भी बात कभी करनी है आई एम देयर, आई हैव टेकन माय फोन। इन माय फोन सर ठीक है, परफेक्ट। मैं आप कुछ कह रहे थे? नहीं तू घर में आ गई कि पुणे में है? मैं पुणे में ही हूँ। अच्छा ओके, मैं कल भी इधर ही हूँ। ओके अच्छा, तो ठीक है, मतलब आज भी क्लास हम लंबी करना चाहें तो कर सकते हैं, यस सर, परफेक्ट, ये अच्छा है, आप घर से दूर ही रहो, अपना क्लास तो टाइम से पूरा होगा। जी अपने बेटे की भी तो करिए भव्या जी। मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन समझे नहीं है, वो जो आपने होमवर्क के दिए थे ना वो। ठीक है, तो अभी एक एक करके क्वेश्चंस को टेकअप कर लेते हैं। अच्छा मैंने ना सरोजा जी कभी पूछा नहीं, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, पूछिए मतलब आपके घर में कौन कौन है, आप ये कितने टाइम से कर रहे हैं, मतलब मेरे को बहुत सारी चीजें आपके बारे में पता ही नहीं सर। अभी। हाँ जी, तो क्या फर्क लगा भव्या जी? हाँ सर, मुझे मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग कंजेशन थोड़ा कम लग रहा है, मतलब आईज पूरी खुल रही है, इससे पहले आईज खुल ही नहीं रही थी। तो ये आपको जो है ना, ये हाँ अप्रोक्सीमेटली 100 स्वीप्स करने हैं आपको कम से कम, ऐसे ऐसे ओके करके, ऐसे ऐसे करके 100 स्वीप्स करें और उसमें पानी में डालते जाइए, ऐसी बेटे के जी, करिए, ठीक अभी है तो ना। मैंने और 25 25 किया। देखिए आप ऐसा समझिए, आप अपने सामने एक फोटोग्राफ रखिए जिसमें कि आप, आपके हस्बैंड और आपका बेटा तीनों जने दिख रहे हैं, और हाँ, उस फोटो की क्लीनिंग करना शुरू करिए इसी तरह से रोज, दिन में 3 बार करिए, ओके तो ओके ठीक आपकी आपकी हेल्थ और ऑरा इंप्रूव होगी, बेटे की होगी, हस्बैंड की होगी, है एक ही फोटो, एक ही फोटो से दिन में 3 बार आप करते हैं। ठीक है। तो हीलिंग करनी है तो मंत्र को पेपर पे लिखा, उससे एनर्जी लिफ्ट करी और उस फोटो में डाल दी। मैं समझा पाया मेरा हीलिंग पॉइंट? करनी है तो नहीं, आवाज कट हीलिंग गई। हीलिंग करनी है तो मंत्र जो है, श्रीम बीज जो है, वो रेड कलर के पेन से कॉपी पे लिखिए, जितना हाँ लिखा ठीक, रोज, जितना रोज लिखा एक बार में, उसकी एनर्जी लिफ्ट करी और उसमें डाल दी, उस ओके फोटो ठीक में जिसमें आप तीनों जने हैं, ओके ठीक है, उस फोटो की ही क्लीनिंग करनी है जिसमें आप तीनों जने हैं, उसी और उस फोटो फोटो को। को ही एनर्जाइज करना है। एनर्जाइज करने के लिए पॉइंट कौन सा है? नाक के पीछे, दोनों कानों के बीच में। तो जैसे जैसे आप ये रेगुलर, फिर उसके बाद अपने घर का, अपने फ्लैट का एक फोटो रख लीजिए, ठीक है, तो उस फोटो में उसका क्रॉस सेक्शनल डायगोनल जो है उसको कनेक्ट करके घर का सेंटर पॉइंट आइडेंटिफाई कर लीजिए, वो सेंटर पॉइंट जो है वो मणिपुर चक्र हो गया, ठीक है ना। तो अपने घर को नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट के बीच में एक सीधी लाइन खींचते हैं, तो उसका जो सेंटर पॉइंट है वो मणिपुर चक्र हो गया। तो मणिपुर चक्र के नीचे कौन कौन से चक्र हैं? स्वाधिष्ठान और मूलाधार, और मणिपुर चक्र के ऊपर कौन कौन से चक्र हैं? अनाहत से लेकर सहस्त्रार चक्र बंद तक, हाँ,
तो वो पॉइंट्स जो हैं वो रेशो प्रोपोर्शन के तौर पे वहां पर वो निशान लगा लीजिए, और उन पॉइंट्स को अपने घर को भी हीलिंग करना शुरू कर दीजिए। तो आप देखेंगे चारों तरफ से जो है आपके घर में प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। फिर जो जो वास्तु वाला पार्ट है वो हम कल या परसों करेंगे उसको। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले तो वो चक्रा वाली शीट जो थी उसमें जो क्वेश्चन लिखे हुए थे पहले, अच्छा आप लोग पूछे पहले क्या पूछ रहे हैं। जी शारुजा मैम पहले आप बताइए। सर इसमें ये जो फर्स्ट है मूलाधार चक्र, उसमें ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझा, गो पैक फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। ओके, और हैव यू एवर लेट योर लस्ट गेट द बेटर ऑफ यू, मतलब लाइक यू फाउंड समबडी मोर सेक्सुअली अट्रैक्टिव, ऐसा कुछ या व्हाट? आई मीन इट्स अबाउट लस्ट, इसलिए मतलब लस्ट तो बेसिकली उसी के लिए आएगा ना। तो हम ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि मूलाधार चक्र जो है वो बेसिकली हमारे ऑपोजिट सेक्स के अट्रैक्शन के लिए भी काम करती है एनर्जी। तो अगर हम उस एनर्जी को बढ़ाते हैं और हमारा ऑपोजिट के लिए अट्रैक्शन नहीं बढ़ता है, तो ये कहीं ना कहीं कोई चीज है जो सप्रेस्ड एनर्जी के तौर पर है। देखिए हमारा सिस्टम जो है वो नेचुरल एनर्जी के बेसिस पे, नेचुरल एनर्जी में क्या होता है, एक लड़की है एक लड़का है, तो ये दो अपोजिट डोमेन हो गए, उनकी शादी होती है उनके बच्चे होते हैं। अब अगर इन दोनों में आपस का अट्रैक्शन नहीं रहे तो ये नॉन नेचुरल हो गया। नेचुरल तो अट्रैक्शन होगा ही होगा ना। तो अगर किसी ने शादी नहीं करी तो वो अपने सारे अट्रैक्शंस को या तो किसी जगह डाइवर्ट करे अपनी एनर्जीज को, या फिर वो अपनी सारी एनर्जीज को जो है वो रोकेगा, सप्रेशन करेगा, तो ऑब्वियसली उसका उसका कोई ना कोई आफ्टर इफेक्ट तो होगा ही होगा ना हेल्थ ऑर्गन्स पे भी। तो मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र इन दो डोमेन्स को इम्पैक्ट करते हैं। देखिए मेरा जो कहने का मकसद है इसमें जो जो ये क्वेश्चन का, देयर आर टू लाइक देयर आर जेंडर वाइज देयर आर टू पीपल, देयर इज अ मेल एंड अ फीमेल। So the right. natural thing is you might feel attracted towards your opposite sex. Right. हाँ. So अभी इसमें फिर answer क्या होना चाहिए? I mean, because I have not understood the question only. So what should I mention? आपकी शादी हो गई? हाँ, मुझे बेटा भी है. ठीक है. तो अब आप इसको इस तरह से observe करिए कि जब आपने पहली बार अपने husband को मिले before marriage, आपका अरेंज मैरिज था, लव मैरिज था, अरेंज मैरिज। तो वो जो अट्रैक्शन था बिटवीन द टू बिफोर मैरिज और उस पूरे मतलब जितनी देर का भी वो कोर्टशिप पीरियड था, वो जो अट्रैक्शन था उसने आपको कितना कितना एनर्जाइज करा, मतलब लस्ट इज ए एनर्जी जो कि आपके एनर्जी लेवल को इंक्रीज करती है। ओके, wherever the lust between the two opposites doesn't take place, वो उसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई एनर्जी सप्रेस्ड स्टेट में है। Okay, so then it can be like I enjoyed it or I didn't enjoy it. Absolutely. Okay. तो वो जो आपका बेटर पार्ट जो है, मतलब कि जब लस्ट वाली डोमेन में थे तो did your efficiencies increase or not? I got it. Now I understood the question. Okay. देखिए होता क्या है, हमारे यहाँ हर एक चीज के एक्सपीरियंशियल वो दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एक ऋषि हुए विश्वामित्र, तो विश्वामित्र जो हैं वो जब साधु हो गए तो उन्होंने जो है अपने ऊपर सारे के सारे कंट्रोल्स को इन प्लेस कर दिया और वो राज ऋषि लेवल तक तपस्या करते रहे। तो इंद्र ने बोला कि भाई मैं मेनका को भेजता हूँ, देखते हैं इनकी तपस्या भंग होती है नहीं होती।
उसने एफर्ट करा और तपस्या भंग हो गई, तो उनको बड़ा गुस्सा हुआ, उन्होंने शराब पराब भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, बट फाइनली ही रियलाइज कि ये सप्रेशन तो उन्होंने अपने ऊपर करा और ये सप्रेस करा, इसलिए उन्होंने एंगर आया। तो उन्होंने वहां पर बोला कि मैंने नेचुरल एनर्जीज को क्यों डिस्टॉर्ट करा, ये नेचुरल एनर्जी है, अगर मैं कोई अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं तो मुझे सप्रेशन नहीं करना है, उसको नेचुरली एब्जॉर्ब करना है। ओके। फिर उन्होंने उसके बाद दोबारा तप तपस्या करी, तो वहां पर कोई और वो आया, फिर उसने उनकी तपस्या भंग करने का एफर्ट करा, तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया, श्राप दे दिया तो उनकी फिर से एनर्जी कम हो गई। तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो ये समझ में ही नहीं आया कि मैंने उसको श्राप तो दे दिया, बट अगेन ये एंगर की डोमेन में जाने की वजह से मैंने ये श्राप दे दिया, बट श्राप से तो मेरी ऊर्जा खत्म हो गई, अब मुझे फिर से तपस्या करनी पड़ेगी। तो तीसरी बार जब वो तपस्या करते हैं तब उनको ब्रह्म ऋषि की संज्ञा प्राप्त होती है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी काम अगर हम सप्रेशन के मोड में करेंगे दैट विल डिस्टॉर्ट आर एनर्जी, उसको समझकर इस तरह से करें कि वो जो है वो एस्पेक्ट हमारे को परेशान ना करे। तो मान लीजिए हमने शादी की या नहीं की, इट डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज कि अगर हमने शादी नहीं करी और फिर हम इस बात को रोते रहे कि हाय हमने शादी नहीं करी, तो इससे बेटर तो शादी कर ही लेनी चाहिए थी। नेचर का जो प्रिंसिपल है वो है डेवलपमेंट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो मैंने सारी जिंदगी मेहनत करके पूरा पढ़ाई लिखाई करा, उसके बाद अपने शरीर को बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से तैयार करा, और फिर मैंने अपने से भी श्रेष्ठ नई संतान को जन्म दिया, इसलिए ताकि मैं एक हायर ऑर्डर की प्रोजेनी को तैयार कर सकूं। इसलिए हमारा जो पुराना सिस्टम था वो कहता था कि ब्राह्मण को ब्राह्मण से, क्षत्रिय को क्षत्रिय से, वैश्य को वैश्य से ही शादी करनी चाहिए, बिकॉज जीनेटिक ऑर्डर में डेवलपमेंट तभी होता है। करेक्ट। तो वो जो एस्पेक्ट थे उसको हमारे को क्या कह दिया कि हम तो रूढ़िवादी है। बराबर। तो मतलब अब गाय और भैंस जो है उसमें भी ये रेस्ट्रिक्शन होता है कि गाय और भैंस की मेटिंग नहीं होती है। करेक्ट। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हायर ऑर्डर प्रोजेनी तैयार हो। मतलब आज गाय जो है वो मान लीजिए 1000 लीटर साल का दूध देती है, तो उसकी बेटर प्रोजेनी कल को 2000 लीटर दूध दे, उससे बेटर 4000 लीटर दूध दे। तो ऐसे करके हम यील्ड को मैक्सिमाइज करते हैं, उसकी क्वालिटी को मैक्सिमाइज करते हैं। ये जो नियम जानवरों पे लागू होता है वो इंसानों पे उससे भी ज्यादा तरीके से, कि हमारे बाद जो प्रोजेनी आए वो कितनी स्ट्रांग हो, उसके लिए कितना विशफुल चिंतन है। तो जैसे मैं कल उसका बोल रहा था कि हमारे यहाँ हनुमान जी की माता जो है अंजना देवी, उनको हम इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने एक अमर पुत्र को जन्म दिया। तो उस मदर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना जबरदस्त चिंतन होगा कि उन्होंने कहा नहीं, बच्चा ऐसा होना चाहिए जिसे कभी मृत्यु छू कर ही ना जाए, मैं रहूं ना रहूं लेकिन मेरी संतान इस दुनिया में सदैव रहनी चाहिए। तो सदैव अगर रहना है तो उसके अंदर कोई ना कोई दिव्य गुण होना चाहिए, तभी वो सदैव रह सकता है। अच्छा। तो उन्होंने हनुमान जी के लिए विनम्रता चुनी, विद्या ददाति विनयम, विनय जो है वो विद्या से प्राप्त होता है। तो हनुमान जी जो है उनको सारी विद्याओं का ज्ञान था। करेक्ट। तो विद्या जो है या महाविद्या जो है ये हमारे को विनय प्रदान करती है, हमें ये पता चलना शुरू होता है कि यस हमारे अलावा इस पूरी दुनिया को एक चलाने वाला है और हम उसके अनुसार ही चले तो हमारी लाइफ ज्यादा सक्सेसफुल होगी। करेक्ट। तो इस प्रकार से उन्होंने सारी विद्याओं को हनुमान जी में डाला और हनुमान जी जो हैं उन्होंने सारे काम करे, रामचंद्र जी की घरवाली ढूंढने से लेकर लंका में आग जलाने से लेकर उनके बच्चे जो लव कुश थे उनको ढूंढने से लेकर, वो हर एक चीज करते थे। लेकिन जब भी उन्हें कह रामच
कृष्णचंद जी ये कहते कि भाई हनुमान तुमने लाजवाब काम करा, संजीवनी के लिए पहाड़ उठा लाए, तो कहते प्रभु मैंने कुछ नहीं करा, जो कुछ करा आपने करा। तो उनका दास जैसा भाव था, विनय बहुत जबरदस्त थी, कहीं भी कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसमें हनुमान जी मतलब गुस्से में भी हैं, लोगों को मार काट भी रहे हैं, लेकिन अहंकार नहीं था कहीं भी उनके अंदर। तो अमृतत्व की प्राप्ति करने के लिए, लॉन्गिटिविटी के लिए व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। जितना छोटे से छोटे स्टेप में जितना ज्यादा से ज्यादा अहंकार होगा उतना ही लाइफ कम होती जाएगी। मैं समझा पाया मेरा पॉइंट? यस सर। तो हम लोग जब कभी किसी, जैसे मेरे को दर्शन जी ने बताया था कि बहुत सारे प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रोग्राम्स करवाते हैं वो, कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको, तो ये जो एस्पेक्ट है कि आपका बच्चा कल को कैसा होगा, आपकी विशलिस्ट क्या है, आपने कौन कौन सी क्वालिटीज के ऊपर ध्यान देना है उस बच्चे को धारण करने से पहले, इसके लिए ही हमारा गर्भाधान संस्कार होता था। कौन से बीज मंत्रों को करके, किस तरीके के विचारों को, एक बालक का फोटो सामने रखना, चाहे वो कृष्ण जी के जैसा हो चाहे चाणक्य के जैसा हो, तो ऐसे करके हर वो डिवाइन क्वालिटी जिसको आप उस बच्चे के अंदर चाहते हैं तो वो बच्चा फिर वैसा होता है। अभी जैसे फिर हनुमान जी ने उनको अमरत्व दिया, बट कि वो जन्म भर ब्रह्मचारी रहे, तो isn't that he is also suppressing something? So what is the reason behind he staying ब्रह्मचारी? I mean this just popped up. नहीं नहीं वो बात ठीक है आपकी। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या था कि हमारे यहाँ ना जितना भी रिलीजियस मटेरियल जो है उसको बहुत सीरियसली करप्ट करा गया। हम में से किसी को भी अपने एपिक्स के बारे में कोई भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। आई एग्री। अब हमारा जो देश था वो ऋषि परंपरा से बंधा हुआ था। ऋषि परंपरा का मतलब क्या होता है कि जो साइंटिस्ट है वो शादी जरूर करता है, क्योंकि जब भी वो कोई रिसर्च करता है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो रिसर्च प्रोवाइड करता है। अब हमें जो है वो रिसर्च करने, अब क्या हुआ कि जिस समय हमारे देश के ऊपर आक्रमण हो रहे थे बहुत सारे, तो पिछले 1000-2000-3000 साल के अंदर क्या हुआ, वो ऋषि परंपरा में साधु परंपरा आ गई। साधु क्योंकि प्रोटेक्टर था मंत्र विज्ञान और तमाम चीजों का, तो साधु ने शादी नहीं करी। उसने बोला कि अगर मुझे सबकी रक्षा करनी है तो हर घर से तकरीबन एक बच्चा जो है वो बड़ा बच्चा इसलिए छोड़ दिया जाता था कि ताकि वो पूरे घर को सुरक्षित कर ले। अच्छा। तो इसलिए जो है ये सारी चीजें हुई। तो क्या हुआ कि साधु समाज ने अलग अलग जगह कुछ ऐसी चीजें छोड़ दी जिसका कहीं कोई लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं था। अब जैसे हनुमान जी जो है उनको एक तरफ तो वानर कहा गया, दूसरी तरफ उनको जनेऊ पहना दिया गया। अब जनेऊ, मूंज का जनेऊ तो ब्राह्मण पहनते थे, तो इसका मतलब कि जो जो हमारे यहाँ की वर्ण व्यवस्था थी उसमें वो ब्राह्मण के जैसे थे और उसी तरीके का कार्य करते थे। बट कहीं पर भी उनको मतलब पूंछ वाला वानर कहा गया, जबकि वो पूंछ वाले वानर नहीं थे मेरे हिसाब से। राधर अगर मैं सही तरह से बोलूं तो संस्कृत में वानर जो है टर्म वो बंदर के लिए है ही नहीं, ठीक है ना। उसी तरह से जो हनुमान जी के जो गुरु जी के तौर पे जामवंत जी का डिस्क्रिप्शन है, जामवंत जी अमर व्यक्ति थे। तो अमर व्यक्ति का मतलब कि जामवंत जी रामचंद्र जी के काल में भी थे और उससे पहले सतयुग में भी थे और उसके बाद में द्वापर में उन्होंने अपनी बेटी की शादी कृष्ण जी से करी। तो वो मतलब आप कैसे सोच सकते हो कि एक भालू जो है वो उससे कृष्ण जी लड़ रहे हैं, चलो चलो भालू से लड़ लिए तो लड़ लिए, भालू की बेटी से शादी भी कर ली, तो वो कृष्ण जी थे या परवर्ट थे कोई मेंटल परवर्ट? कोई इंसान भालू की बेटी से शादी कर सकता है? मतलब ये तो मेंटल परवर्जन हो गया ना। तो हमारे यहां जितनी भी चीजें थी उसको एक कम्युनिटी ने डिस्टॉर्ट करा। हमारे यहाँ खास तौर पे भारत में यहूदी आए थे बहुत सारे, 24,000 के करीब यहूदी परिवार आए थे और उन्होंने पिछले 2000 सालों के अंदर पिछले 2000 मतलब ये सिकंदर के टाइम के बाद की बात है कि वो 2000 सालों में उसने जो है
वो जितने भी यहूदी थे वो सारी संस्कृत यूनिवर्सिटीज और इन सबके हेड हो गए थे, और उन्होंने अपने नाम भी चेंज कर लिए थे, भारतीय मिलते जुलते नाम थे, जैसे मालवीय जो नाम है ये यहूदी थे व्यक्ति, फैमिली वाइज यहूदी था। तो इन लोगों ने क्या करा, मेल ट्रांसलेशन करे हमारे संस्कृत के सारे एपिक्स के। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कृष्ण जी ने जब इसको कंस को मारा था उनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी। अब आप इस्कॉन टेम्पल में जाओ और वहां पे राधा कृष्ण को देखो तो राधा जी और कृष्ण जी युवा हैं। वहां पे अब 12 साल का बच्चा कैसे होता है, कितना बड़ा होता है? आपका भव्या जी बच्चा कितना बड़ा है? 5 साल का है, 5.5 साल का, ठीक है, 12 साल का है। आप अब आप सोचो कि 12 साल का बच्चा क्लास फोर्थ या फिफ्थ में होगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना? तो 12 साल के बच्चे की लव स्टोरी सुनाओ मुझे आप, उसको कैसे देखोगे? इज इट पॉसिबल ह्यूमनली? उसकी बच्चों की कहानियां होंगी, बच्चों जैसा पार्ट होगा, बट क्या कभी किसी ने वो बच्चे जैसी तरीके से कहानी बताई उनकी कि राधा जी कृष्ण जी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही बना देते हैं पिक्चर, हर एक हिंदी पिक्चर के अंदर जो है जब भी कोई लड़का छेड़ रहा लड़की को होता है तो उस टाइम पे वो उसका नाम ही किशन होता है, और वो जस्टिफाई करा जाता है कि इसका लड़की छेड़ना जायज है क्योंकि इसका नाम ही कृष्ण है, ये तो पैदा ही इन लड़कियों को छेड़ने के लिए हुआ है। तो हमारे यहाँ क्या है, डिस्टॉर्शन जो है ना रिलीजियस एक्टिविटीज में बहुत सारा बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से ये सारी की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आई है। हनुमान जी ने शादी करी थी नहीं थी, उनका बच्चा था नहीं था, उसके लिए बड़ी एबनॉर्मल स्टोरीज थी कि जब हनुमान जी जो हैं वो अहिरावण का वध करने के लिए गए तो वहां पर उन्हें हनुमान जी के जैसा ही तेजस्वी युवक मिला, तो वो बोले ये कौन है, बोले जी ये मकर ध्वज है, बोले मकर ध्वज कौन है, बोले ये हनुमान जी का बेटा है, तो हनुमान जी का बेटा कैसे, बोले जी हनुमान जी जा रहे थे थक गए तो उनके पसीने की एक बूंद गिर गई जिसे एक मगरमच्छ ने पी लिया और उसके बाद उसने जो है उसको जन्म दे दिया। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो डिस्टॉर्शंस करे गए हमारे साइंटिफिक सिस्टम या एपिक्स के अंदर, उनका बेस जो है वो बहुत अच्छी तरह से डिफाइंड नहीं था, ठीक है ना? तो जिसकी वजह से ये सारा पार्ट है। अब कृष्ण जी जब कंस के दरबार में गए जब वो 12 वर्ष की आयु के थे तो उन्होंने हाथी को सूंड से पकड़ के फेंक के मारा। आप मुझे बताओ कि एक माता का संकल्प कैसे होगा कि जो अपने 12 वर्ष के बच्चे को हाथी को सूंड से फेंक के पकड़। ठीक है ना? तो पहले वाली जो मदर्स थी उनका जो डोमेन था कि हम अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचें, वो आज की तारीख में किसी ना किसी तरीके से वो रिड्यूस हो गया। तो जब आप किसी भी देखेंगे तो उस बंद हो गया था, सॉरी फोन आ रहा था बार बार, मैं उसे काट रहा हूँ, बार बार कोई फोन करता है। तो जब आपके पास में कोई एक्सपेक्टिंग मदर आती है या कोई लड़की जिसको पता है कि अभी शादी हो गई और बच्चा नहीं हुआ है, उसको आप मोटिवेट करिए कि वो हरिवंश पुराण या कोई ऐसी किताब पढ़े जिसमें कि सारे राजाओं महाराजाओं के बारे में उनका डिस्क्रिप्शन है, जिसको पढ़ के वो उन बच्चों को ध्यान करे जो पावरफुल पावरफुल बच्चे हुए हमारे देश के अंदर। जैसे भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, तो जब आप भीम के बारे में बताते हो तो भीम जो है उनके पेट में एक जात वेद करके अग्नि होती है, तो वो जात वेदस करके जो है एक अग्नि का डिस्क्रिप्शन है कि वो लक्कड़ पत्थर सब हजम कर लेती है, मतलब अच्छा। पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी होता है वो ज्वालामुखी के अंदर जो मोल्टन स्टेट होती है जो पूरी पृथ्वी को कंटिन्यूसली खा जाती है, वो जातवेद करके अग्नि होती है। तो उस जातवेद अग्नि को जब भीम के पैदा होने से पहले कुंती ने उस अग्नि का ध्यान करा तो अग्निदेव ने वायुदेव ने जो है फिर उनको भीम जैसा पुत्र दिया। तो उसको इतनी भूख लगती थी कि जब उसको ये बोला गया कि भाई आप जो है व्रत करा करो, बोले तुम व्रत कह रहे हो, बोले मुझे खाना खाते खाते मैं
थक जाता हूँ तो मुझे भूख लगनी शुरू हो जाती है, और तुम कहते हो कि मैं एक दिन का व्रत रखूं। तो ठीक है, तो अब आज की तारीख में तो जो हमारे घर में ब्राह्मण आता है वो भी खाना नहीं खा सकता, वो भी खीर कचौड़ी जैसे ही कहते हैं वो कहता है पैक कर दो या दक्षिणा दे दो, खाना नहीं खाऊंगा। तो हमने अपनी भूख को खत्म कराए, तो अब भूख इसलिए खत्म हो गई कि भूख का बीज मंत्र गलत चक्रों में गलत बता रखा है। तो जैसे ही हम अपने पेट में यम बीज को धारण करते हैं, आप देखो कैसे अच्छी तरह से भूख लगना शुरू हो जाएगी थोड़े दिनों के अंदर। अच्छा, ठीक है ना। यस। अब जैसे भव्या जी को है, तो भव्या जी अपने बेटे के पेट पे हाथ रखे और यम 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 करके उसके सारे चक्रा को जागृत करना शुरू कर दे। अरे बोलता ही तो नहीं है, शक्तिशाली तो पूरा रहेगा ना, कल को जब अकल आ जाएगी तो इतना तो पता ही है ना कि वो बेटा खड़ा हो किसी के सामने तो 100 लोगों को अकेला मार सकता है, इतना तो कर ही सकता है ना, वो बोल ही तो नहीं सकता। भी सकता है सर। तो उसके उसके सारे चक्रास की एनर्जी बढ़ाइए, उसको खूब अच्छा भोजन कराइए, उससे खूब एक्सरसाइज करवाइए। जितना ज्यादा देखिए, अगर किसी का बच्चा उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है ना, उसके ऊपर पहली चीज ये समझ लीजिए कि तरस नहीं खाना। नेवर फील पिटी फॉर एनीथिंग, ये नहीं कर सकता है या इसमें ये प्रॉब्लम है, ये सोचना ही नहीं है। बोले मैं तो इस बच्चे को ऐसा बनाऊंगी कि ये हाथी को सूंड से पकड़ के फेंकेगा। अब फेंके नहीं फेंके, हाथी की सूंड पकड़ तो ले कम से कम, इतनी ताकत तो रखे। तो उसको खूब बढ़िया भोजन कराइए, खूब एक्सरसाइज कराइए, एक मार्शल आर्ट का कोच रखिए उसके लिए, जो उसको सुबह से शाम तक 2-4 घंटे खूब एक्सरसाइजेस करवाइए, देखिए उसका फर्क पड़ेगा जरूर। ये चक्रा जो जब जागते हैं ना पेट में, जब एक दफे अग्नि जाग जाती है उसके बाद फिर कोई चीज की जरूरत दिक्कत नहीं होती है। अग्निदेव अपने आप में सबसे पावरफुल है। मेरे पास इस समय फोटो नहीं है, नहीं तो मैं आपको अग्नि के मंत्र का ही फोटो दिखाता कि वो अग्नि कितनी ऊपर गई थी। शायद मैंने वो सोमयज्ञ की फोटो भेजी थी आपको। सर आपको उस फोटो में क्या दिखाई दिया? किसमें कौन सा? मुझे क्या दिखाई दिया, मुझे ऐसे लगा as if there was somebody, I mean wait, मैं अभी शेयर करती हूँ ग्रुप पे। कौन सा? मैं समझा नहीं, कौन से उसके लिए बात कर रहे हैं? आपने ना सर अग्नि के फोटोज भेजे हैं एंड यू सेड बहुत अच्छी इमेज उसमें दिखाई दी थी, सो व्हेन वी कंसंट्रेट एंड सी दोस इमेजेस ना, वो ऐसे लग रहा था एज इफ समबडी स्टैंडिंग देयर। और एक जन, एक सेकंड मैं अभी आपको वो फोटो शेयर करती हूँ, 1 मिनट। फोटो भेजी थी? हाँ मैं अभी करती हूँ। सर ये देखो मैंने आपको भेज दी, अभी मैंने इनको भी भेज दी, भव्या को भी भेज दी। हाँ ये फोटो बेसिकली जो है ना, ये अग्नि इस बंदे से बहुत तेजी से सिंक कर रही थी। मतलब ये हमने वहाँ पे दो लोग खड़े हैं ऐसे लग रहा है, अग्नि में खड़े हैं। हाँ अग्नि में, मुझे अग्नि अग्नि माँ बिल्कुल वो सही दिखा आपको। हाँ मतलब ऐसे लग रहा है कि एक जन ऐसे होता है ना, लक्ष्मी जी कैसे अपने हंडे से कुछ दे रही होती है, हाँ। अगर हम उनके सामने प्रणाम करें और उन्हें कुछ मांगे, तो ऐसे नीचे कोई खड़ा है और ऊपर से वो उन्हें यू नो कोई पानी पिला रहा है, वो कैसे होगा, वैसा वो मुझे दो इमेजेस लग रहे हैं। हाँ नहीं वो ठीक दिखा आपको, वो उसी तरीके का ही रिफ्लेक्शन आ रहा है। हाँ। और उनके घर में भी जो है, जब मैं उस टाइम पे देख रहा था तो बड़ी मिराकुलस सी एनर्जी थी। Okay. मतलब उनके है ना बड़े सीरियस हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, बहुत परेशानी हो रही थी, एंड द लेडी वाज वेरी डिस्टर्ब। हाँ मतलब ऐसे कोई किसी को अमृत कैसे दे रहा है, हाँ मुझे एक वैसी वो इमेज लगी। हाँ वो मतलब वो वहां पर उस दिन कुछ मिरेकल हुआ था उस घर के अंदर, ये दैट आई आल्सो एग्री। मतलब वो हवन का जो एनर्जी था, कि आपको क्या दिखाई दिया, आपको भी वैसे ही दिखाया? एक्चुअली नहीं, मेरे को कुछ नहीं दिखता है, जब दिखता है तो आरती को दिखता है, आरती मुझे बता देती है तो मैं कहता हूँ हाँ ऐसा कुछ हो रहा होगा जरूर।
वो मेरा और उसका जो है ना वो बड़ा डिफरेंट सा वो है हिसाब, वो मुझे दिखता नहीं है और सिर्फ लिखता हूं मैं तो हर चीज, और उसको जो है वो चीज दिखती है, अलग तरह से दिखती है। तो उनको क्या दिखाई दिया? I mean, did you discuss with her? What did she feel? नहीं उसने मतलब वो उसको भी दिखा, और एक वहां पर डॉक्टर शिव शर्मा और डॉक्टर सविता शर्मा थे, उनको तो साक्षात बिल्कुल जैसे महामृत्युंजय दिखे ब्लू कलर के विद ऑल दी सिक्स टू एट आर्म्स, वो पूरा दिखा उन्हें वहां पर। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि ये लोग जो है ना शिव योग से जुड़े हुए हैं, शिव योग इज ए वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले बहुत साल से बीज मंत्रों पे काम करता है। तो ये जो जिनके घर में हवन हुआ था ये आज से 6 महीने पहले हमसे कनेक्ट हुए थे, और 6 से 7 महीने पहले, तो इन्होंने बेसिकली ये बोला कि हम शिव योग में पिछले 9 साल से कनेक्टेड है, बट अब क्या है कि मतलब वो गुरु जी की हमें एक्सेस नहीं है और चेले को कुछ आता नहीं है। तो बोले कि उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे घर में इतनी सारी प्रॉब्लम है, इनकी बेटी के ऊपर किसी ने कुछ भूत प्रेत का वो कर दिया था, बेटे की भी हेल्थ इश्यू बहुत डिस्टर्ब थी, मदर इन लॉ की भी थी, मतलब काम धंधा जो भी अभी आ रही है। आपने बोला वो उनके बेटे या बेटी, उसके बाद रुक गया आवाज। हाँ तो उनका जो बेटा बेटी ऐसे करके मतलब मेजरली घर में सबकी हेल्थ खराब, जो उन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह ली थी उसकी किस्तें नहीं जा पा रही थी, मतलब बहुत परेशानी थी उस तरीके का। तो वो जो फाइनेंशियल लॉसेस और वो थे हेल्थ लॉसेस थे, उन्होंने हमारे को हमारा रेफरेंस उनको किसी ने दिया, वो भी शिव योग में थी, बहुत परेशान थी। तो उन्होंने मैंने कहा देखिए मेरे को तो ये पता है, मैं बहुत ज्यादा मैं कोई साधु वाधु तो हूँ नहीं, मैं तो नॉर्मल के तौर पे। तो मैंने कहा भाई इसमें आप जो एम ह्रीम क्लीम ये जो मंत्र करते हैं इसकी बजाय इसको श्रीम ह्रीम क्लीम लिखना शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना सा ही है। तो शी रिलीजियसली रोट वो 1.25 लाख टाइम्स जो है उन्होंने रेगुलरली लिखा, और एक उन्होंने श्रीमद भगवद गीता का 7वां अध्याय का पाठ और करा। तो जो 7वां अध्याय का पाठ है वो मैंने उनके साथ शेयर करा था, तो उसका पाठ उन्होंने और करा, और उसी से वो अपने घर फैमिली बच्चे सबकी हीलिंग करती थी। तो जब ऐसा हुआ तो 4 महीने बाद सडनली एक लड़की आ गई, और उसने मतलब उन्होंने वो रिश्ता अपने बेटे का फाइनल कर दिया। शी वॉज वेरी हैप्पी कि मतलब उनके यहाँ जो उनकी डॉटर इन लॉ आई है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी मैनर्ड है, जिस तरह से उनका रिस्पेक्ट है ऐसी उनका एकदम से उनका हो गया कि भाई तुम्हारे यहाँ लड़की बहुत अच्छी आ गई। तो फिर एक उनका जो जिस दिन ये महामृत्युंजय का हवन कराया था उस टाइम पर उनका एक कोर्ट केस चल रहा था जो बहुत परेशानी देने वाला था, उन्होंने बोला कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसके हिसाब से क्या करें। तो मैंने कहा आप कुछ मत करो, बस ये बोलो कि जैसे आज हवन कराया ऐसे हर महीने एक हवन कराऊंगी अगले एक साल तक, मुझे ये सारी चीजें मेरी ठीक हो जाए बस। तो मैंने कहा इसी टाइम अगले एक साल के अंदर आपकी बेटी की भी शादी हो जाएगी और कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी नहीं आएगा कोर्ट केस वगैरह की वजह से, नहीं तो देवर 100% श्योर कि कोर्ट केस जो है उनके अगेंस्ट जाएगा, फेवर में नहीं जाएगा। बट वो सरप्राइजिंगली जिस दिन हवन कराया उसके 10-15 दिन के अंदर ही जो है वो कोर्ट केस का रिजल्ट उनके फेवर में आ गया। शी वाज सो हैप्पी, बोले सर अगर गलती से भी वो कोर्ट केस हमारे अगेंस्ट चला जाता तो हमें फाइनेंशियली बहुत बड़ा एक सेटबैक लग सकता था। बट वो तो मेरे पास मंत्र को करेक्ट करते ही उसको देखो आप, मंत्र की ऑरा जो फायर का कलर है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ है उसकी एनर्जी आसपास की जो एनर्जी है सब चेंज हो जाती है। तो अगर मंत्र में बीज मंत्रों की कहीं कोई गड़बड़ वगैरह कोई रिजॉल्व करता है तो उसका इम्पैक्ट तो मंत्र की एनर्जी पे आता ही है, तो इसलिए उसमें जरा सा भी हमें डाउट नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि आप प्रॉब्लम सेंट्रिक बात करो, मैं आपको ये इश्यू है इसका इस चैलेंज के लिए ये इसको ऐसे रिजॉल्व होगा, मैं आपको बिल्कुल वर्बेटिम उस पर बता दूंगा, मुझे उसमें जरा सा भी कोई डाउट नहीं है सिस्टम में। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, लाइक अगर मेरे पास ही अगर मैं देखूँ तो मुझे मेरे हर एक बच्चे को स्पीच चाहिए, मेरे हर एक बच्चे का, अगर मेरा सेरेब्रल पॉल्सी का बच्चा है तो उसका पेल्विक कंट्रोल बढ़ना चाहिए, उसका वॉकिंग आना चाहिए या उसकी स्पीच आनी चाहिए, ऐसे मेरे बहुत सारे गोल्स हैं। शारुजा जी एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, मैं चलता फिरता चमत्कार हूँ,
ये सारे मंत्र और प्रक्रिया जितनी मुझे पता है, हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ जिस दिन मेरे गुरुजी 15 मई 2019 को गए थे उसके बाद ही ये मेरे पास सारी पावर्स इन्वोक हुई है। बाकी मैं ये मंत्रों पे ये रिसर्च तो पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, बट ये जो पावर्स आई है ये मेरे गुरुजी के जाने के बाद आई। एक अलग तरीके का डायलॉग मैकेनिज्म मेरा और आरती का शुरू हो गया है, हमारी हीलिंग बहुत पावरफुल हो गई है, पहले नहीं था ये। अच्छा। अगर व्यक्ति रिलीजियसली जैसा हम बता रहे हैं वो करे, तो कोई सा भी बच्चा हो 12 महीने के अंदर उसकी सिचुएशन चेंज होगी होगी, पर ये मेहनत वाला काम है, तो मेहनत वाले काम के लिए जो है व्यक्ति अपना बेसिक ईमानदारी से करे तो हम उसमें हर चीज में सॉल्यूशन दे सकते हैं। आप 100 नहीं 1000 बच्चे हमसे पूछो, मतलब मैं बेसिकली जिस कॉन्सेप्ट को तैयार कर रहा हूँ वो ये है, हर व्यक्ति को ना अपनी लाइफ में एक उम्मीद होती है कि एक व्यक्ति आएगा और हमारे को इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर निकालेगा। अनफॉर्चुनेटली हमने अपना ही चिंतन इतना ज्यादा करना शुरू कर दिया कि हमें दूसरा दिखता ही नहीं है। मेरे गुरुजी ऐसे व्यक्ति थे कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में उन्हें फोन करूं कि गुरुजी ये समस्या हो गई, बोले अच्छा एक काम कर ये कर ले ठीक हो जाएगा। तो मेरे मन में इच्छा होती थी कि बताओ कितनी नॉलेज है इस व्यक्ति को कि किसी भी समस्या का एक सेकंड में उपाय बता देते हैं। तो मैंने जब कभी मतलब जब मैं कभी मांगता था तो मैं ही कहता था कि मुझे मेरे गुरुजी का सार का भी सार तत्व मिले। तो उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी थी वो बहुत ही जबरदस्त थी। तो इसलिए जो है अगर हम 100 बच्चे भी ऐसे जिनके पेरेंट्स बहुत रिलीजियसली तैयार हो और उनकी साल भर में लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ जाए, तो और जीवन में कुछ चाहिए ही नहीं, पैसे तो कमा ही लेता है आदमी, पैसे कमाने में थोड़ी कोई दिक्कत होती है। तो आप मेरे से जब चाहें तब, मतलब ये आप जो काम कर रहे हैं और आप जैसे जितने भी लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, आई वुड लव टू शेयर वॉट एवर आई नो। थैंक यू सर। ठीक है ना, तो इसलिए उसमें कोई बात नहीं है, मतलब एंड ऑफ द डे बस हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पेरेंट जो है वो हमें टेस्टिमोनी दे कि हाँ जी मैंने ये प्रोसेस करा था, इस प्रोसेस को इस बीज मंत्र को यूज करने की वजह से हमारी लाइफ में ये चेंजेस आए। ओके। बाकी और कोई चीज का वो नहीं है। एंड ये बीज मंत्रों के अंदर ही सारा मैजिक है, मतलब हमारा इसमें कोई रोल प्ले नहीं है, हमें बीज मंत्र आपस में अपने आप अपने बारे में कुछ बता देता है, वो एक सेपरेट पार्ट है, बट जो मेजर पार्ट है वो ये कि ये पावर तो उस बीज मंत्र की है कि जैसे ही उस मंत्र के साथ हम उसको इन्वोक करते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो मेरे कल और परसों दो दिन से जो मैं पिछले 3-4 दिन से जो मेडिटेशन करा रहा हूँ उसमें महामृत्युंजय को ही बात कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि महामृत्युंजय हेल्थ एनर्जी है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हेल्थ एनर्जी, उसको हम जितना ज्यादा इन्वोक करेंगे घर में उतनी ही सुख शांति बढ़ेगी। अच्छा। तो आप ये देखिएगा मेडिटेशन मैंने शेयर करें तो उससे होगा। चलिए वापस कोर्स पे आते हैं। जी बताइए सर, इन सब क्वेश्चंस के आंसर देके, लाइक वो जो आपने बोला था कल होमवर्क है, I found all the questions were lots of self-analysis. Absolutely, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यही इसका objective है कि हम अपने अंदर देखना शुरू करें। Correct. So that's what I found. And okay, वो question मेरा clear है। अभी स्वादिष्टान में there is one question. Tell about your first love, even if she didn't love you back. So like you liked someone, that person didn't like you. So how did you feel is what you meant to ask? Absolutely. आपको क्या फील हुआ? Anger फील हुआ, विभत्स फील हुआ, भयानक फील हुआ, कौन सा नवरस में कौन सा रस आपको महसूस हुआ जब किसी ने आपकी लाइकिंग को डिसरिस्पेक्ट करा? ओके। So अब इससे ये पता चलता है कि आपका स्वादिष्ठान जब भी डैमेज होता है कौन से बिहेवियर पैटर्न से डैमेज होता है। ओके। मैं समझा पाया मेरा पॉइंट? यहाँ पर जो हाईलाइट करने का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि स्वादिष्ठान के अंदर नवरस होते हैं, 9 इमोशंस आर ट्रिगर्ड।
आउट ऑफ दीज नाइन इमोशंस विच इमोशन यू आर ऑलवेज इन दी बेसल स्टेट, मतलब जैसे श्रृंगार है तो हर समय एक स्टेट ऑफ लव रोमांस ऐसे करके जो सिचुएशंस है वो हल्के हल्के दिमाग में रहते हैं, तो यू फील एनर्जेटिक, यू एंजॉय इट, आप सेल्फ लव की डोमेन में आ जाते हो, आप अपने आप को इतना प्यार करते हो कि आपको जो है कभी शरीर को गंदा रखने का, उसको डिसरिस्पेक्ट करने का मन ही नहीं करता। तो वो चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यू वी जस्ट नीड टू मेंशन अबाउट दैट, हाउ डिड वी फील। सो इफ आई से आई कांट मेंशन अबाउट लव, बट आई कैन टॉक अबाउट अ फ्रेंड, लाइक आई वाज वेरी फ्रेंडली विद दैट पर्सन, आई वाज वेरी केयरफुल फॉर दैट पर्सन, बट देन ओवर द पीरियड शी डिस्ड मी फॉर व्हाटएवर रीजन। सो फर्स्ट वाज द एंगर, लाइक दैट वाज द फीलिंग व्हिच केम, but later I thought maybe it is her way of dealing with her situation, and I started working on my goals, like my work, my passion, my patience, and I totally forget about it. So what is that? Is that okay? It is not okay. देखिए ऐसा है, ये पूरा का पूरा aspect जो है ना, ये इसको हम कैसे बोले, जैसे ना हमारे को कभी भी ये नहीं सिखाया गया कि किस तरीके के व्यक्ति के साथ शादी करनी है और किस तरीके के व्यक्ति के साथ शादी नहीं करनी। हमारे यहाँ एक किताब थी सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों के और पुरुषों के अंगों का डिस्क्रिप्शन होता था कि जब कभी किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करनी है तो उसको पहले ये पता हो कि किस तरीके के व्यक्ति से शादी की जाती है। एक तो हमारा फिजिकल अट्रैक्शन हो गया। देखो महिलाओं का कैसा होता है कि महिलाओं के लिए ये कहा गया है एपिक्स में हमारे कि महिला जो भी पास में है वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। मैं समझा पाया मेरा बात? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। डू यू मीन फिजिकल अपीयरेंस? नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है जो लोग भी एक रिलेशनशिप में जाते हैं उनका रिलेशनशिप में जाने का रीजन फिजिकल अट्रैक्शन होता है, और वो भी उस व्यक्ति का होता है जो उनके आसपास है। आप देखिए बड़े खूबसूरत लड़के हैं वो काली कलूटी लड़कियों से शादी कर लेते हैं, बहुत खूबसूरत लड़कियां बहुत ही काले कलूटे लड़के से शादी कर लेती है। वो इस वजह से कि वो उनकी नियरेस्ट डोमेन के अंदर वही होते हैं। अच्छा, तो जो नियरेस्ट डोमेन है उसमें जो एक्सेस है वो नेचुरल अट्रैक्शन के बेसिस पे काम करते हैं। दे डोंट थिंक एट ऑल कि वेदर दिस रिलेशनशिप इज यूजफुल फॉर देम और नॉट। ओके, तो इसलिए जो है वो उस चीज का फर्क पड़ता है। वी आर नेवर टॉट अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर लाइफ, होम टू मैरी एंड होम नॉट टू मैरी। इट डजंट मीन कि हम सबको रिजेक्ट करें, इट मीन्स आर वी एबल टू गेज दिस प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्सन। अच्छा, हमें लाइफ में चाहिए क्या? आज आप देखो, आप संडे का टाइम्स ऑफ इंडिया खोलो, वहां पे मैट्रिमोनी के एड लिखे होते हैं। हाँ, तो वहां पे लिखा होता है गोरी लड़की चाहिए, जॉब करती हुई चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियर के लिए कंप्यूटर इंजीनियर लड़की चाहिए, डॉक्टर के लिए डॉक्टर लड़की चाहिए। अभी तुझे शादी करनी है या नौकरी करवानी है? कोई रीजन ही नहीं होता। जो जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होता है या उसके पेरेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं, मतलब उस दे डोंट हैव अ साइकी बिहाइंड कि व्हाई दे वांट टू मैरी देयर सन और डॉटर। अंडरस्टैंड, हमारे यहाँ फिनेंशियल सिस्टम इतना हावी हो गया कि मतलब एक बार क्या हुआ, मैं दिल्ली में ना ये कैनॉट प्लेस करके एक एरिया है, मैं उधर घूम रहा था, तो हल्की हल्की मैं कार में बैठा हुआ था, तो गाड़ी चला रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैंने देखा कि वो लड़का लड़की जो है ना ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं, तो लड़के ने तुरंत अपने हाथ से अपना लैपटॉप ऊपर कर लिया और लड़की को ऊपर जो है वो एक छाते के जैसा हो गया, जिनके पास छाता नहीं था
वो लड़की प्यार से जो है वो लड़के के जो है कमर में हाथ डाल के चलना शुरू हो गए। तो थोड़ी देर आगे देखा तो रिक्शा में कपल बैठा हुआ था, तो वो उसने जो है वो बारिश, मतलब जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, जो लोग मोटरसाइकिल पे थे, जो पैदल थे, जो रिक्शा में थे, क्योंकि हल्की हल्की बारिश थी, बड़ा अच्छा मौसम था, तो देवर एबल टू एंजॉय दी अदर पर्सन कंपनी, वो साथ में होने के हिसाब से। और मैं अकेला घूम रहा था, मैंने कहा देखो मेरे पास तो गाड़ी है लेकिन आरती साथ में नहीं है, और ये सब लोग जो पैदल पैदल घूम रहे हैं इनके साथ में इनके अपने अपने कपल हैं, तो ईच एंड एवरी वन वॉज एंजॉइंग दी कंपनी। बट दी पॉइंट इज टू एंजॉय, यू डोंट रिक्वायर एनी मटीरियल नीड। मतलब जो पैदल चल रहा था उसकी भी लाइफ में एंजॉयमेंट था, जो रिक्शा में चल रहा था उसकी लाइफ में भी एंजॉयमेंट था, और जो मोटरसाइकिल पे था उसकी लाइफ में भी एंजॉयमेंट था। इट इज जस्ट दैट कि जो आपके पास में है आप उसको एंजॉय करो। बट हम ऐसी हाई हाई लगाकर बैठे हैं अपनी जिंदगी में कि बेसिक एंजॉयमेंट ही हमने खत्म कर दिया। Got it. तो हमारे को एंजॉय करना सिखाया नहीं जाता। हमें बचपन से जब तैयार करते हैं तो बेटा इंजीनियर बन जाओ, तो इंजीनियर बन गए तो बेटा नौकरी कर लो, नौकरी कर ली तो उसके बाद बेटा अब जो है प्रमोशन ले लो। तो हम एक परिधि में जैसे गाय को खूंटे से बांध देते हैं, उसकी रस्सी डिफाइन कर देते हैं, हम उसी तरह से घूमते रहते हैं। वी डोंट गेन एनीथिंग। मैंने जब जॉब छोड़ी और मैंने ये स्कूल और ये सारा कुछ अपना स्टार्ट करा वेंचर, तो मुझे सब लोग कहते थे कि हाउ मच मनी यू आर मेकिंग। तो मैं हंस देता था क्योंकि मैं पैसे तो कमा ही नहीं रहा था इनिशियली, जो भी थी मेरी सेविंग में अपनी सेविंग ही खा रहा था। बट व्हाट आई फेल्ट वाज इन दोज लास्ट 5 years मेरे जो बुआ जी थे वो बेड रिडन थे, मतलब माई बुआ जी डिडंट मैरिड, तो मेरे फादर से 2 साल बड़े थे, तो उनको जो है पार्किंसन एल्जाइमर्स की प्रॉब्लम हो गई, और तब हमें हीलिंग वगैरह कुछ आती नहीं थी, तो हमने फिर हीलिंग वगैरह के तौर पे सोचा कि हम उसको सीखते हैं। तो ऐसे करके हमारी जर्नी में उस इवेंट का वैल्यू था। खैर वो 5 साल तक बेड रिडन रही, मेरी मदर और आरती ने उनकी बहुत सेवा करी, और फिर वन फाइन मॉर्निंग एक दिन वो चले गए। जब ऐसा हुआ तो उनकी लास्ट राइड्स जितनी भी थी वो मैंने परफॉर्म करी थी, तो जब सारी राइड्स जो है अच्छी तरह परफॉर्म हो गई तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड, ये जो भी कुछ लास्ट राइड जिस तरह से परफॉर्म हुए वो बहुत अच्छी तरह से हुए। तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे को ना इन 10 सालों का सर्टिफिकेट दे दिया। सो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि वेदर यू आर एबल टू जनरेट फाइनेंसेस और नॉट, बट वेदर यू आर एबल टू फुलफिल वन रोल ऑफ योर लाइफ, इट काउंट्स अ लॉट। आपका बच्चा जिसको आप पैदा करके तैयार करते हो वो आपके काम आए नहीं आए ये आपकी किस्मत हो सकती है, लेकिन अगर आपने उस बच्चे को अपना ध्यान रखना जीवन में हमेशा सबसे अच्छी तरह से सिखा दिया तो आपने अपना रोल पूरा करा है। आपने अपना रोल पूरा करा तो वो आपके जीवन में एक सेटिस्फेक्शन जरूर लेकर आएगा। ठीक है ना, मुकेश अंबानी के पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है हमारे देश के अंदर, लेकिन मैं भी मुकेश अंबानी की वाइफ का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसने कहा कि मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो उससे हुए हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। तो उसने वहां पर ये चीज हाईलाइट करी। अब आप सोचो कि वो महिला जो अरबपति है उसको ये चीज बोलने की क्या जरूरत थी। तो उसके मतलब कि कहीं कोई अंदर पेन होगा ही होगा ना, तभी तो ये चीज बोली गई। तो वो पेन वहां पर भी मौजूद है। ये सुभाष चंद्रा है, जी टीवी का मालिक, इसकी डॉटर की डेंगू से डेथ हुई थी। मल्लिका साराभाई जो साराभाई केमिकल्स वाले की वो है बेटी, तो बहुत बड़ी फर्म है फार्मेसी के अंदर, बट उसका कैंसर, उसके मतलब उनके फैमिली में ही किसी की जो है वो कैंसर से ही डेथ हुई थी। तो हमारे यहाँ जो भी डिजीजेस और वो है उसमें अमीर से अमीर आदमी भी ऐसा नहीं है कि उस प्रीव्यू से बाहर है। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज व्हाट रोल प्ले डू यू परफॉर्म। तो जैसे जैसे आपके सारे रोल प्ले सक्सेसफुल हो जाते हैं यू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ।
तो हमें हमारे रोल प्ले के लिए बहुत कॉशियस रहना पड़ चाहिए। जितना ज्यादा हम अपने रोल प्ले के लिए कॉन्शियस रहेंगे उतना ज्यादा लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आता है। मेरे पास 1 करोड़ क्या 5000 करोड़ हो मेरे पास में, आई एम सेइंग मेरे पास 5000 करोड़ रुपए हो उससे क्या फर्क पड़ता है इफ आई एम नॉट एबल टू सेव एनी ऑफ माय रिलेशन। मेरे घर परिवार में जो है लोग बीमारियों से मर जाए तो मैं ऐसे 1000 करोड़ रुपए लेकर भी क्या करूंगा, और मेरे पास 1 पैसा नहीं है और मैं मंत्र बोलूं और एक के बाद एक व्यक्ति ठीक हो जाए तो मुझे जीवन में और क्या चीज चाहिए होगी। अभी डॉक्टर आरती के फादर को कोरोना हो गया तो वो जम्मू में थे और उनका जो सारे सेंसेशंस वगैरह जो है वो वीक हो गए, ही इज ऑलरेडी हैविंग कैंसर, तो सबको एकदम से डर लग गया कि नाउ देयर माइट बी अ चांस कि ही वोंट सरवाइव। तो मेरे से बात हुई, मैंने कहा अपनी बेटी को बोल दो हीलिंग कर देगी, क्यों परेशान हो रहे हो इतना। तो आरती ने जो है 7-8 दिन उनकी हीलिंग करी, तो 8-10 दिन बाद जब टेस्ट आया तो टेस्ट नॉर्मल आया उनका, और इन्फेक्शन भी, इन्फेक्शन तो मतलब टेस्ट रिपोर्ट तो एक बात है बाकी जैसे नाक से सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है उनकी वो सारी शक्ति जागृत हो गई वापस। तो बोले अब आई एम वेरी सेटिस्फाइड बिकॉज आई रीच्ड दी माय बेसिक सेंसेस, जैसे मेरी पहले थी वैसी वो मुझे अटेन हो गया। मैंने कहा इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही क्यों है कि आप बार बार बीमार पड़ो, बस एक फोन कर दिया कि भाई मेरी हीलिंग कर दो, तो बोले हाँ ठीक है। तो ये पावर जो है ये आप सबके अंदर है, बट ये है कि आपको उसे विश्वास करना। और भविया जी आपके जुखाम की क्या स्थिति है? हाँ सर मैं बैठ पा रही हूँ। ग्रेट। तो अब ये है कि ये मुझे याद दिलाना पड़ा कि आप कोर्स जो है हीलिंग का कर रहे हो, अपनी क्लीनिंग तो कर लिया करो, तो ये इसी पार्ट को आपको याद करना है। और गुस्सा नहीं करना है, मतलब आपको गुस्सा नहीं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लीजिए थोड़ा सा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। भगवान ने किसी की भी किस्मत में कुछ भी लिखा हो बट ये बीज मंत्रों के अंदर इतनी पावर है कि वो भाग्य में लिखा हुआ भी पलट सकते हैं, उसको उतना विश्वास करना पड़ता है और उतना ही ज्यादा मेहनत से उसको परफॉर्म करना पड़ता है। देखो जेल में ना जो अच्छे कैदी होते हैं उनकी जज साहब जो है सजा माफ कर देते हैं, बट उसमें इस बात को स्वीकार करना पड़ता है कि पनिशमेंट की फॉरगिवनेस के लिए मन में फॉरगिवनेस का भाव होना चाहिए। और ये मन में जैसे ही आप स्वीकार करते हो ना कि हाँ शायद हो सकता है मैंने कोई गलती करी हो जाने अनजाने जिसकी वजह से मुझे ये पनिशमेंट मिला, अब आप उसी जगह उसकी बजाय शोर मचाओ कि वाई मी ओनली, तो वो पनिशमेंट और बढ़ जाएगा। आपको ये कहना है कि हाँ ये आपने बिल्कुल सही करा, मैंने ही कोई गलती करी होगी जिसकी वजह से मुझे ये पनिशमेंट मिला। अब हमें थोड़ी पता है हमने पिछले जन्म में क्या क्या चीजें करी या 100 जन्म पहले क्या करी, अब कर दी तो कर दी, पर उसको फॉरगिवनेस के मोड में अपने उसमें ये भाव लेकर आना कि हम, हो सकता है हमसे कोई गलती हुई हो, हमें नहीं याद है अभी, बट नहीं याद है तो इसका मतलब थोड़ी कि गलती नहीं करी, गलती तो करी होगी तभी तो पनिशमेंट मिल रहा है। टू बी एक्सेप्ट द पनिशमेंट, द मोमेंट यू से दैट यू एक्सेप्ट द पनिशमेंट एज राइटफुली एज योर लिविंग, आप देखो एकदम से चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। सिर्फ ये एक्नॉलेज करना कि पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा जज है जो सब कुछ देख रहा है, हम सही और गलत आज करें कभी भी करें वो कभी गलत नहीं हो सकता, सिर्फ ये कहने से ही चीजें ठीक होना शुरू हो जाती है। मैं समझा पाया मेरी बात? पर मैं इतना गुस्सा नहीं करती। देखो बेटा ऐसा है कि आदमी जो है ना या तो दूसरे पे गुस्सा करता है या अपने अंदर करता है। जब वो अपने अंदर करता है तो इम्पैक्ट हेल्थ इश्यूज पे आते हैं, जब अच्छा, वो दूसरे पे करता है तो उसका इम्पैक्ट रिलेशनशिप्स पे आता है। ठीक है ना, मतलब मान लो आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगी, आपने उसे गाली दे दी तो वो नाराज होके चला जाएगा ना। और उसी तरह से उसका उल्टा पार्ट हो गया, आपने गाली नहीं दी लेकिन आपने मनी में ये रखा कि मनी मन इस बात को करते रहे, बताओ इसने मुझे ऐसे करा, इसने मुझे ऐसे करा, तो वो अंदर ही अंदर वो जहर जो है वो बन जाता है। ठीक है ना, तो इसको बिल्कुल शांति से ये लेकर चलना है कि इट इज ए अपॉर्चुनिटी, इट इज समथिंग विच हैज बीन गिवन टू मी,
और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कृष्ण, अब वापस कृष्ण पे आते हैं थोड़ा सा, इसको कृष्ण के तौर पे मैंने क्या नोटिस करा, आप सोचो कि एक मदर की मेंटल स्टेट कैसी होगी कि उसका बच्चा जो है जिस घर में जिस कमरे में वो रहती है उसी कमरे पे एक निशान बना हुआ है और वो निशान उसी के बच्चे का पिचका हुआ सर है जिसको कंस ने जो है पटक के दीवार पे मारा और उस दीवार पे वो निशान पड़ गया खून के धब्बे का। उसी कमरे में उसी घर में उस देवकी को रहना पड़ा और फिर वो कंसीव करती है दोबारा उसी निशान को देखते देखते। तो फाइनली देवकी ने कहा तू मेरे जितने भी बच्चों को मार, अगर तू मेरे बच्चों का काल है तो मैं तेरा काल का भी काल यानी महाकाल को पैदा करूंगी, तेरा वध होके रहेगा। तो सोचो कि अगर किसी महिला की मेंटल स्टेट ऐसी हो कि जो महाकाल को आवाज मारे तो वो महाकाल खूंखार कितना होगा, कितना क्रोध भरा होगा उस बच्चे के बीज में ही जो पैदा ही सिर्फ मारने के लिए हुआ है पूरी दुनिया को। लॉजिकल है पॉइंट, इलॉजिकल है? हाँ। अब आप सोचो कि वो पूरा, अब वो जब देवकी के पति जो वो थे क्या नाम है वसुदेव, उन्होंने देखा कि ये देवकी तो पागल है, ये अपने बच्चे को मतलब कंस को मारने के चक्कर में ये कंस से भी बड़ा राक्षस पैदा कर देगी, तो उसने वहां पर जो है रातों रात उस बच्चे को वहां से उठाया और अपने दोस्त को दे दिया, वो दोस्त जिसकी पत्नी का नाम था यशोदा। और यशोदा इतनी भावुक महिला थी कि वो पत्थर को भी भगवान मानती थी और हर समय उसने और पूरे गांव ने इस बात का निश्चय करा कि हम इस बच्चे को प्यार करना सिखाएंगे। तो पूरा गांव ही बस उस बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमता था, वो उठते थे तो उस कृष्ण का नाम लेकर, सोते थे तो उस कृष्ण का नाम लेकर। आप सोचो वो अपने बच्चे को दूध मक्खन नहीं खिलाते पिलाते थे लेकिन कृष्ण के लिए हर एक व्यक्ति दूध मक्खन लेके आता था, कृष्ण किसी के भी घर में घुस जाए वहां जाकर उसको खाने पीने की सारी व्यवस्था मिलती थी। क्यों? क्योंकि कल को अगर इसको इतना प्यार नहीं दिया तो ये खुद ही राक्षस बन जाएगा, कंस को मारने के बाद सबसे बड़ी समस्या कृष्ण स्वयं बन जाएंगे। इस कारण पूरा गांव, गांव की सारी लड़कियां हर एक उसको बस प्यार करने के तौर पर ही उसके पास में जाती थी। और 12 वर्ष की उम्र में उसने हाथी को पटका, कंस को मारा और अपना फिर आगे बढ़ गया। मतलब कितना निर्मोही वो बच्चा था, मोह ममता तो उस जैसे मतलब कृष्ण को छू कर ही ना गई हो। आठ आठ पत्नियां जिस व्यक्ति के हों वो उसके बाद भी घर से बाहर युद्ध लड़ने ही जाता रहता हो, कितना निर्मोही व्यक्ति होगा कृष्ण। बट उसको प्यार करना सिखाना पड़ा क्योंकि उसका स्वाभाविक गुण जो था वो महाकाल के जैसा था। महाकाल को बिल्कुल मतलब नहीं होता किसी को किसको मारना है किसको मरना है, उसके लिए तो एक प्रक्रिया है, जो पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा ही। तो जो सबसे बड़ा है काल भी है, उस काल का भी महाकाल था वो। तो ये बड़े डिफरेंट सी स्टोरीज हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। हमारे को अपने बिलीफ सिस्टम को बहुत मजबूत करना चाहिए एंड द इम्पॉसिबल विल हैपन, ये मेरा मानना है। तो आपको जो है अपना एक तो दशांश खर्च करा करो, कल आप शायद नहीं थे क्लास में, मैंने वो कल के वीडियो में ये चीज बोली थी, दशांश मतलब कि आप एक महीने में जितना पैसा कमाते हैं उसका 10% जो है वो चिड़िया, अपना गाय, चिड़िया, कुत्ता, इनको खाने पीने, चींटियां, उनको खाने पीने में खिलाना चाहिए। तो जब आप ऐसे करके रोज करोगे तो आप देखोगे कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ रही है और घर की हेल्थ एनर्जी भी इम्प्रूव हो रही है। ओके। सो वन हैज टू डू दैट वेरी रिलीजियसली, उसके बाद देखो आप कितनी चीजें ट्रांसफॉर्म थे। चलो जी, आज तो सारा उपदेश में ही निकल गया सारा। अच्छा था ये भी। थैंक यू। तो बताइए, हाँ और क्या क्या क्वेश्चन क्वेरी है? सर पूरा पूरा सात चक्र ही क्वेश्चन है। हाँ बताइए। एक क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया है। देखिए ऐसा है, इसमें बेसिकली चक्रों के अंदर जो क्वेश्चन लिखे हैं ना
इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने बारे में थोड़ा गहराई से सोचना है। अच्छा। जैसे उसमें एक क्वेश्चन आया कि जैसे उन्होंने बोला कि भाई आप शादी से पहले किसी को प्यार करते थे नहीं करते थे, वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी कभी कोई चीज ऐसी होती है जो आपकी लाइकिंग के अनुसार नहीं होती, तो क्या आपको गुस्सा आता है या नहीं आता। तो अगर आपको गुस्सा आता है तो इसका मतलब कि आप बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। तो हमारे को प्रत्येक स्थिति में बुद्धि विवेक को जागृत करना है, ये उद्देश्य है इन चक्रों के हिसाब से। तो वो जितना भी समझ में आए, मतलब वो मतलब क्वेश्चन का वो नहीं है, थोड़ा सा गहराई में अपने बारे में चिंतन करना है, ये वाली चीज इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना जी, और बताइए। चलो ये तो एक स्लाइड तो नॉर्मली है ना। नहीं, गुस्सा आना नॉर्मल है, लेकिन गुस्से की स्टेट में जितने ज्यादा से ज्यादा रहना वो नॉर्मल नहीं है। हाँ, अग्री। सो दैट्स व्हाट आई सेड ना, सो शी वाज माय वेरी गुड फ्रेंड एंड व्हाटएवर फॉर रीजन शी चीटेड मी, आई फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट एंड आई स्पोक टू हर, व्हाई डिड यू डू दैट, सो शी हैड हर ओन एक्सप्लेनेशन, बट देन ओवर द पीरियड आई रियलाइज की ओके मे बी शी डज नॉट वैल्यू दिस फ्रेंडशिप, सो माइट एज वेल आई शुड stop thinking about why this happened and you know how this should be cured and all. So first anger aana and later analysis laga ke us cheez ko forgive karna, isn't that right? Acha, isme right or wrong ki domain jo hai na wo start hoti hai is question se ki kya aapko ye pata hai ki kisse mitrata karni hai kisse nahi karni. रामचरितमानस के अंदर हनुमान जी ने जब राम और सुग्रीव की मीटिंग कराई तो उन्होंने बोला, प्रभु आप हैं सूर्यपुत्र सुग्रीव और आप हैं सूर्यवंशी राम, आपकी पत्नी को भी वो बाली ने हर लिया और आपकी पत्नी को रावण ने हर लिया, तो आप दोनों समान जाति और समान अवस्था के हो, तो आपकी मित्रता होना स्वाभाविक है। यानी मित्रता के लिए दो गुण जो बड़े गुण माने गए हैं वो ये माने गए हैं, एक तो समान जाति होना और एक समान अवस्था होना। मित्रता के लिए ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब वो है सिचुएशंस है या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। तो अगर हमें ये नहीं पता कि हमें किससे मित्रता करनी चाहिए किससे नहीं मित्रता करनी चाहिए, तो ये हमारे लिए एक गलती है। और इसका जो अगर आप पढ़ें तो संस्कृत की किताब है पंचतंत्र, उसमें पांच तंत्रों का वो दिया गया है पार्ट। उसमें पहला तंत्र है मित्र भेद। मित्र भेद का मतलब यह है कि कौन मित्र बनेगा और कौन नहीं बनेगा, वो पहला तंत्र है। दूसरा तंत्र है मित्र संप्राप्ति। मित्र संप्राप्ति का मतलब होता है मित्रता के साथ क्या क्या मिलता है। मान लीजिए आपने किसी को दोस्त बनाया और उसका कोई दुश्मन है, तो जो उसका दुश्मन है वो आपसे भी दुश्मनी कर सकता है, क्योंकि शत्रु का शत्रु मित्र होता है और मित्र का मित्र मतलब शत्रु का मित्र जो है वो भी शत्रु होता है। तो इस तरीके से बिना किसी को जाने समझे उसकी मित्रता या उसके शत्रुओं का आंकलन करे बिना उससे मित्रता करना भी दुखदायी हो सकता है। ये हो गया दूसरा तंत्र। तीसरा तंत्र दे रखा है काकोलियम। काकोलियम है कौआ और उल्लू का रिलेशनशिप, कौआ और उल्लू का रिलेशनशिप है शत्रुता का, वो तीसरा तंत्र है। चौथा तंत्र है लब्ध प्रणाश। लब्ध प्रणाश का मतलब है, लब्ध मतलब बैलेंस, प्रणाश मतलब प्राप्त हुआ। तो बैलेंस में क्या मिला, मतलब पहला था मित्र दूसरा था शत्रु, तो बैलेंस क्या बचा, सम, जो ना मित्र है ना शत्रु है, सम रहना जो है वो सबसे श्रेष्ठ गुण है, सभी से सम रहना चाहिए, ये चौथा तंत्र है। और पांचवा तंत्र दे रखा है अपरीक्षित कारक। अपरीक्षित कारक का मतलब ये है कि जब तक परीक्षा ना हो कि ये मित्र है शत्रु है या सम है, व्यवहार को बिल्कुल संकुचित रखना चाहिए। मैं समझा पाया मेरी बात का मतलब? Yes, sir. तो आपका जो चैलेंज था वो ये नहीं था कि उसने आपको डिच करा, आपका जो चैलेंज था वो ये था कि आपको यही नहीं पता था कि ये डिच करेगी या नहीं करेगी, मतलब ये दोस्त बनाने लायक भी है या नहीं है। Yes,
बहुत सारी हिंदी पिक्चरों के अंदर डायलॉग आता है कि वो क्या कहते हैं उसको, कि उस सिल्क के कारपेट में टाट का पैबंद नहीं लगाया जाता, कुछ इस तरीके का डायलॉग आता है हिंदी पिक्चर्स में। जब कोई बड़ा अमीर आदमी बड़े गरीब आदमी के साथ दोस्ती कर लेता है तो वो कहता है कि भाई ये बात तुमने कर ली तो, लेकिन ऐसा मत करो क्योंकि उसमें टाट का पैबंद नहीं लगता है, मतलब जो चीजें मैच नहीं होती हैं उनके साथ में वो चीज नहीं करी जाती है। मैंने मतलब मेरा जो मानना है वो ये है कि हमारे यहाँ एक अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था ना होने की वजह से हमें दर्द होता है, परेशानी होती है। अगर एक अच्छी एजुकेशन मिले तो हर प्रॉब्लम रिजॉल्व करी जा सकती है, करेक्ट और रादर हमारे मेंटल एबिलिटी भी इस तरीके होती है कि अच्छा आज हमारे सामने ये प्रॉब्लम आई है, कल को नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम आएगी उसको भी हम सॉल्व करेंगे। सो वी फील मोटिवेटेड व्हेन एवर अ प्रॉब्लम अराइजेज, मतलब अराइजेज इन फ्रंट ऑफ अस, एंड नॉट ओनली हमारे बाकी किसी के भी लाइफ में जैसी प्रॉब्लम, अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा हुआ प्रॉब्लम आ गई तेरे पास, चल इसे मिलके रिजोल्व करते हैं। अगर ये वाला हमारा एक एनवायरमेंट बन जाए तो आप सोचो कि हम कितनी हेल्दी सोसाइटी हो जाए। करेक्ट तो दैट इज व्हाट माय लर्निंग ऑफ द इश्यू इज। ओके ठीक ठीक है जी, और बताइए। सर, दूसरा एक चार्ट भेजा है आयुर्वेद कौन सा चार्ट? के लिए, कुछ चार्ट भेजा है। अच्छा तो वो तो मैंने वात पित्त कफ की क्लास चल रही थी ना श्रीम ह्रीम क्लीम करने के लिए, तो मैंने उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स डाली थी। उसमें एक अच्छा क्वेश्चन ऐड था कि ताकि आप इस बात का अंदाजा लगा सकें किसी भी व्यक्ति को देखकर कि उसको वात पित्त या कफ में क्या समस्या है। मैं एक दफे खोल देता हूँ वाली शीट। आपका कौन सा दोष है वात पित्त और कफ, दिख रही है ना स्क्रीन मेरी? हाँ, दिख रही है। ठीक है, तो फिर उसमें कौन सा दोष है, वात है पित्त है या कफ है? वात एयर से होता है, पित्त फायर से होता है, कफ वाटर से होता है। आयुर्वेदिक बॉडी टाइप अगर ये देखना है आपको तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इनमें जितने भी आपके वो पॉइंट्स इकट्ठे हो रहे हैं इससे आपको पता चलता है कि आपको वात है पित्त है या कफ है। फिर कौन सा दोष है, वात है तो श्रीम, पित्त है तो क्लीम और कफ है तो ह्रीम, इस तरह से ये तीनों को देखने का। अब इसको देखेंगे तो ये हमारा जो है एयर इज कॉमन इन ऑल दी थ्री, तो ये इस तरह से इसमें इमेजेस दे रखी हैं। क्लीम करेक्ट पित्त, पित्त मतलब फायर प्लस वाटर, तो जिस व्यक्ति का पित्त बढ़ा हुआ है उसके फिजिकल फीचर्स कैसे होंगे, सेंसिटिविटी कैसे होगी, बॉडी फंक्शन कैसे होगा, स्लीप साइकिल, पर्सनैलिटी एंड मेंटल एक्टिविटी कैसे होगा, हॉट ऑयली लाइट लिक्विड मोबाइल शार्प सॉफ्ट स्मूथ, इस तरीके से। तो आप जब व्यक्ति को देखना पहचानना शुरू करेंगे धीरे धीरे तो आपको पता चलेगा कि इसका ये पित्त दोष है। तो जैसे ही उसने दोष बोला, जैसे कि जिसको वात का दोष होता है उसकी स्किन सूख जाती है, उसमें हम नाखून से लाइन खींचे तो लाइन खींच जाती है, उसकी फर्स्ट लेवल रेमेडी ही ये है कि भाई पहले तेल मालिश करो अपने शरीर की तो तुम्हारे वात रोग कम होंगे। तो ऐसे करके आपको एक एक चीज पता चल गई। उस व्यक्ति को बोला कि भाई तुम श्रीम लिखो और देखो तुम्हारी इच्छाएं जो है कामनाएं जो है वही तुम्हारे रोग का कारण है, तो थोड़ी कामनाएं कम करो, उद्देश्य को लाइफ में जागृत करो, तो ये प्रक्रिया पता चलती है। फिर ये कंपैरेटिव हो गया वात कफ और पित्त के तौर पे। फिर इसमें ये वाली इमेज है जिसको हमने वात पित्त कफ करके ना तीन तरीके से वो बने, एक में श्रीम एक में ह्रीम एक में क्लीम है। जहां श्रीम और क्लीम है तो वहां लक्श्री हो गया, जहां क्लीम और ह्रीम है वहां पे किलरी हो गया, जहां श्रीम और ह्रीम है वहां पे श्री हो गया, और जहां त्रिदोष है वहां क्लश्री हो गया। मतलब श्रीम ह्रीम क्लीम तीनों को मिलाकर जो उसकी साउंड बनती है कंबाइंड का जो बीज मंत्र है वो क्लश्री है। क्लश्री बीज मंत्र जो भी व्यक्ति इसकी इसको सवाल अखबार लिखता है आप देखिए कि उसके रोगों में बहुत जबरदस्त सुधार होता है। ठीक है ना?
तो क्लश्री एक बड़ा इम्पोर्टेंट बीज मंत्र है, इसलिए मैंने ये भेजा था कि भाई मैंने वो मतलब जब हमने श्रीम रीम क्लीम का पार्ट था तो उसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट थी। ओके ठीक है जी, और बताइए सर, ये जो आपने कल एक साल तक 3000 लिखने को कहा जी, तो कौन सा मंत्र? सभी मंत्र तो एक साथ में नहीं लिख सकते। देखिए ऐसा ना, कोई सा भी एक मंत्र पकड़ लीजिए, मान लीजिए श्रीम है तो श्रीम पकड़ लीजिए, या श्री लिखना है तो श्री लिख लीजिए, कोई सा भी एक बीज मंत्र पकड़ लीजिए। जैसे मैंने इसमें क्लश्री लिखा, आप क्लश्री बीज मंत्र को 1,25,000 बार लिखिए। हमारा क्या है कि एक साल में हमारा जो है ना 1,25,000 का एक पुरस्चरण होता है बराबर, तो 9 पुरस्चरण जो है वो एक साल में आप करते हो। पहले क्या था कि 9 पुरस्चरण जो है ना आदमी अपने पूरे जीवन में कर सकता था, यहां मैं एक व्यक्ति को 9 पुरस्चरण एक साल में कराता हूं तो उसकी आत्मिक उन्नति इतनी ज्यादा होती है, उसके दोष कम हो जाते हैं, उसकी प्रक्रियाएं सारी जागृत होनी शुरू हो जाती है। अब पिछले कितने जन्मों के संस्कार हैं जिसकी वजह से कोई चीज सही या गलत हुई, ये आप जब लगातार लिखना शुरू करेंगे 8वें 9वें पुरस्चरण के बाद तो ना आपको सपने में चिताएं दिखेंगी जलती हुई। जब आपको चिताएं दिखनी शुरू हो तो आप समझिए कि आपके पूर्व जन्म के करे हुए पाप जो है उनका शमन होना शुरू हो गया। तो इसलिए कोई सा भी एक बीज मंत्र जो आपको मन से आवाज लगे कि हाँ ये मुझे लिखना है, बस उसको लिखती चली जाइए। सर मतलब जब लिखेंगे तब सपना और वो सब भी नोट करना पड़ेगा, मतलब वी शुड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड। देखो जी मैं तो ये जानता हूँ बीज मंत्र कोई सा भी ले लो, सब में एक ही ईश्वर है। अच्छा, कोई अलग अलग ईश्वर तो है नहीं, ये तो हमारे मन का भ्रम होता है और हर एक आदमी अलग अलग फ्रीक्वेंसी को अपने उसमें अट्रैक्ट करता है कि कोई किसी को श्रीम में सॉल्यूशन दिखेगा, किसी को ह्रीम में, ये तो बेसिकली एप्लीकेशन के पार्ट है। बट ये बीज मंत्र कोई से भी हो जितने भी हो सबको एक ईश्वर का रिफ्लेक्शन मानना चाहिए, इसमें भेदभाव करने से कुछ फायदा नहीं मिलता। मतलब 100 मंत्र करने की बजाय, वो आई थी ना पिक्चर वो अक्षय कुमार की, वो कौन सा चाइना, इंडिया टू चाइना, कौन सी थी वो, चांदनी चौक टू चाइना यस। उसके अंदर वो डायलॉग था कि आपको उस 1000 मूव से फायदा नहीं होता, आपको फायदा होता है उस एक मूव को जिसको आप 1000 बार। इसलिए आप एक श्रीम को पकड़ो या ह्रीम को पकड़ो या क्लीम को पकड़ो, वो तो एक अलग बात हो गई, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक श्रीम को पकड़ के साल भर में 10-1,00,000 बार आप इसको लिख डालो और वो जितनी भी शीट्स हैं वो घर के अंदर कहाँ कौन सी डायरेक्शन में रखनी है उसके तौर पे करो, उससे ही एनर्जी की हीलिंग करते रहो अपने घर की, बच्चे की, अपनी, साल भर में आप देखना इतना बड़ा फर्क आ जाएगा रोज के रोज एनर्जी हीलिंग करने में, यू विल फील द ब्लिस। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मेरा बारगाम जाने का ज्यादा रहता है, आजकल लॉकडाउन के हिसाब से बंद है, तो यदि ये मैं एक साल भर का वो 3000 का रखूं तो कहीं भी चलेगा लिखूं तो? ऐसा जी देखो, ये आपका राइट हैंड, ओ लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, अगर पेन नहीं हो तो इसी को कागज मान लो और इसी को पेन मान लो और इसी से श्रीम लिखते रहे खाली बैठे हुए तो भी चलेगा। नोटबुक और पेन लेके जाऊंगी, जहां भी जाऊंगा तो वहां लिख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ पेन अगर छूट भी जाए तो भी, मैंने आपको तरीका बता दिया ना, मन हाँ कहीं भी जाइए, कैसे भी चलते फिरते जो है, हमारे पास में एक साधु बाबा थे 100-110 साल की उनकी आयु थी, वो क्या करते थे, वो श्रीम अपने हाथ से ना ये वाली उंगली को बोलते थे, ऐसे अपने शरीर को ही छूते रहते थे, श्रीम 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 श्रीम। तो मैंने कहा जी ये क्या तरीका हुआ, बोले बेटा देखो ऐसा है, जगाना तो भगवान को अपने शरीर के अंदर है, अब मैं कहाँ चक्कर में पड़ूं, मैं कहता हूँ एक सेल भी जाग जाए मेरे श्रीम बोलने से तो पूरी प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो मैंने कहा ये बढ़िया है। अब जैसे ये जो है क्या नाम है अपना, भव्या जी अपने बेटे को गोद में लेके बैठी और उस अपनी इस वाली उंगली को उन्होंने उसके सर पे रखा और श्रीम 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 ऐसे करना शुरू कर दिया, मनी मन श्रीम की चैंटिंग।
तो वो जहां जहां छूती जा रही है वहां पर वो श्रीम बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए कोई उसकी मतलब इस लाइन में सही और गलत नहीं होता, इसमें भाव होता है कि मुझे हर समय हर क्षण श्रीम को अपने साथ में जागृत करना है, तो बस वो जागृत हो जाता है फिर। क्या दूसरा वो स्त्री सूक्त और पुरुष सूक्त का जो आपने लिख के रखने को कहा जी, वो कहाँ रखने का है, वो कहाँ रखना है? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में। पर जमीन पर रखे कि दीवार पर वो चिपका दे? एक लिफाफे में डाल के उसको साउथ ईस्ट के कॉर्नर में, या तो कोई चीज रखी हुई है तो उसके ऊपर रख दीजिए, और कुछ है ना, या फिर नहीं तो होगा तो लिफाफे को सेलो टेप लगाइएगा उस किनारे, चिपका दिया बस। तो उसमें वो हो जाएगा। और बताइए, भैया तेरा कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम, पहले होमवर्क नहीं किया है ना, तो कम क्वेश्चन करूंगी तब ज्यादा। और सरोज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि मतलब मैंने अभी हर एक पेज के ऊपर दो दो तीन तीन क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, तो पूछना शुरू कर दीजिए। नहीं सर, मुझे थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं। हाँ तो फिर एक अलग टाइम फिक्स कर लेते हैं, जब आप फ्री हो तो मुझे टाइम बता दीजिए कि इस टाइम पे, हाँ इस टाइम पर जो है फिर हम क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेंगे। सो व्हेनेवर यू थिंक, संडे को आपके पास टाइम है? हाँ है, संडे को कोई दिक्कत नहीं। मैं कल तो अभी अपना 12 बजे का ये सेशन रहेगा, ये छोड़ के आपके पास कौन सा टाइम है? आप मेरे को अपना टाइम बता दो ना, मैं आपको आगे पीछे एडजस्ट करके बता ही दूंगा। मुझे एक रेंज बता देना कि इससे इसके बीच में मैं फ्री हूँ, तो फिर मुझे एडजस्ट करने में आसानी हो जाती है। ओके सर, ठीक है, आई विल डू दैट, है ना, तो उससे फिर काम हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट जी, बोलिए। सर वो जो हाफ एन आवर वो वाला टाइम है जो आपने बोला किसी एक व्यक्ति के बारे में डिस्कस कर सकते, तो वो कब होगा, क्लास के बाद? आप जब चाहो तब हो सकता है, मेरी तरफ से टाइम की कोई रेस्ट्रिक्शन है। अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो बात अलग है, अदरवाइज मैं 90% घर पर ही रहता हूँ, मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ। ठीक है, तो इसलिए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब मन करे तब आप एक एक करके डिस्कस कर लेना। सर एक और क्वेश्चन था, एक और पूछिए पूछिए पूछिए। पर ये तो मतलब अभी तक कोर्स वर्क का रिलेटेड नहीं है, ये आप मुझे बताओ ये ब्लैक मैजिक और ये सब क्या होता है, मतलब वो होता है कि नहीं होता, उसके लिए भी बीज मंत्र होता है क्या? देखो जी, ये जो श्रीम बीज है ये एक पावरफुल बीज मंत्र है। तो ये हर तरीके के ब्लैक मैजिक और सबके हिसाब से, हाँ मतलब ये जो 9 बीज मंत्र इन शीट्स के ऊपर लिखे हैं ये बहुत पावरफुल है, किसी भी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक हो वो इसको काउंटर कर सकते हैं। ओके, तो श्रीम से स्टार्ट करना। हाँ, ये 3000 टाइम्स, ये पहले आप अपनी शीट्स कंप्लीट कर लीजिए, तो जब ये कंप्लीट कर लेंगे तब हम इसको जो है टेक अप कर लेंगे। ठीक है सर, ओके डन। सर मेरा कि यदि हम बीज मंत्र से अपने रोग को समझो कि इम्प्रूव करते हैं या मिटा देते हैं, तो ये जो रोग तो हमें आए वो कर्म फल से आए है ना, तो उसका क्या होगा कर्म फल का? तो कर्म फल जो है वो बेसिकली हमारे सहस्त्रार चक्र बंद के अंदर इकट्ठा होता है, तो वहां पर जाकर जो है वो एक आज कर लेंगे मेडिटेशन इस वाला, अगर कर्म फल का करना है तो मैंने एक दफे पहले भी करा था ये, तो उसको जो है वो रिलीज कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं बैठती। पर कर्म फल रिलीज होने के लिए मतलब कम से कम 8-9 पुरस्चरण का सपोर्ट चाहिए ही होता है, ठीक है ना? तो जब आप 10-1 लाख बार लिखेंगे, मतलब 3000 टाइम डेली एक साल तक लिखेंगे, तो उससे जो है वो रिजॉल्व भी हो जाएगा, इससे कर्म भी कर्म का फल रिजॉल्व हो जाएगा। कर्म कर्म आप मानते किसको, वो है बात। आप संस्कृत के, नहीं, आप संस्कृत के, हाँ मैं वही बता रहा हूँ,
संस्कृत में कर्म जिसको कहते हैं उसमें दो एलिमेंट होते हैं, क्रिया प्लस उद्देश्य। अगर कोई कार्य निरुद्देश्य करा जाए तो वो क्या हो जाता है, निरुद्देश्य क्रिया व कार्य जो है वो कर्म नहीं रहता। तो हमारे को पूरी प्रक्रिया में कर्म को ध्यान करके, मतलब कि जब हम कोई कार्य किसी उद्देश्य से कर रहे हैं उस प्रक्रिया को जागृत करना है। जब हमारे अंदर वो प्रक्रिया जागृत हो जाती है तो हमारे सारी चीजें अपने आप ही रिजॉल्व होनी शुरू हो जाती है। निरुद्देश्य कर्म कैसे होगा, जैसे दीवार को धक्का देना, तो दीवार तो कहीं नहीं जाएगी, आप ही अपना श्रम वेस्ट करते जाओगे। तो आपको सिर्फ ये ध्यान करना है कि कोई भी काम करते हुए मन में एक दफे उसके उद्देश्य को जरूर ध्यान करना है। काम करते हो वैसे वैसे प्रक्रिया जागृत हो जाती है। सर ये तो अभी प्रेजेंट में हुआ, पर जो पास्ट कर्म जो अपने हैं उसके बारे में क्या? आप इस प्रक्रिया को जागृत करोगे तो पास्ट कर्म की भी प्रॉब्लम रिजोल्व होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, देखिए बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ ऐसी लिखी हुई हैं जो फालतू का टाइम वेस्टेज है। हमारे को ना बड़ा डरा धमका कर इस तरह से तैयार करा गया है। मेरे को सारे कहते थे अरे ये तो बड़े गुप्त मंत्र होते हैं, तुमने किसी को बता दिया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो एक मेरे सामने अग्निहोत्री ब्राह्मण आया था तो वो बात कर रहा था, तो उस व्यक्ति को ना बड़ा सीवियर दमे की परेशानी थी, उसके जो लंग्स में सांस नहीं आता था। तो मैंने मंत्र लिखा कागज पे और आरती को बोला कि इसकी एनर्जी उठा के इस व्यक्ति की हीलिंग कर दे, अभी ठीक हो जाएगा ये। जब वो ठीक हो गया तो मैंने पूछा कि आप ये जो अग्निहोत्र के मंत्र करते हैं क्या आप मुझे बताएंगे? तो उसने कहा कि हम तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं। मैंने कहा ऐसे तुम्हारे मंत्र के कॉन्फिडेंशियल मंत्र के जाप करने का क्या फायदा कि तुम अपनी तबीयत ही नहीं ठीक कर सकते। मैंने देखो मैंने ये वाला मंत्र लिखा है, इससे तुम्हारी हीलिंग कर रहा हूँ, देखो तुम्हें अभी ठीक कर दिया, लो रख लो ये मंत्र अपने पास और इसे पढ़ लेना। तो हमारे यहाँ क्या है कि मैंने तो मंत्र गुप्त नहीं रखा, गुप्त मैंने मंत्र उसे बता दिया और वो एक गुप्त मंत्र रखे भी बैठा था। तो ऐसी गुप्त शक्तियों का क्या फायदा जो आप अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। तो जो भी चीजें ढोनी है ना, मतलब भगवान जो है बिल्कुल ऐसी मानिए जैसे आप घर में किसी बच्चे को मानते हैं। अगर ईश्वर ने आपके अंदर उस बच्चे को देख लिया तो आपके 100 गुना माफ हैं। और आप कितने मर्जी बड़े ज्ञानी हो, अगर उस ज्ञान में ही अटके पड़े हो और आप ये नहीं देख रहे कि क्या चीजों का परिवर्तन होना और करना है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता ना। चीजें सही और गलत की बात अलग होता है, बट कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को एक नई प्रक्रिया अपने सामने देखने पर फर्क मिलता है। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि एक लेवल तक ही चीजों को मानना चाहिए, उसके बाद फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए। जितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर रहती है उतनी जल्दी हम डेवलप हो जाते हैं। बराबर। ठीक है जी, आप भी शिव योग से हैं, बहुत बढ़िया। मेरे पास बड़े सारे लोग ऐसे आए हुए हैं जो शिव योग से ही दुखी हैं। तो बोले जी शिव योग में इतना कुछ हुआ लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कष्ट नहीं गया। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि जी देखो आप मंत्र ठीक करो, मंत्र ठीक करते ही सारा शिव योग जो है ना जागृत हो जाएगा। सर शिव योग से मुझे कष्ट नहीं हुआ, जो मेरे थोड़े कष्ट थे वो कम हो गए। हाँ, अब जितने कम हुए ना थोड़े, वो बहुत सारे कम हो सकते हैं। आप उसमें एम रीम क्लीम उसकी बजाय श्रीम रीम क्लीम कर लीजिए, जो भी आपकी किताब है ना उसमें फर्क आ जाएगा। फिर दूसरा उसमें एक जगह लिखा हुआ है एम क्लीम सौ, बाला का मंत्र दे रखा है उसमें, उसको करना है श्री क्लीम सौ। तो वो जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे आप कहोगे इस मंत्रों में कितनी ऊर्जा है। फिर दूसरा मंत्र दे रखा है क ए ई ला ह्रीम, ह स क ल ह्रीम स क ल ह्रीम, वो भी मंत्र गलत है। ठीक है ना, तो मतलब मेरा कहने का ये है कि एम ह्रीम और क्लीम
इसके अगर अक्षरों को आप उठाएंगे तो आपका मंत्र बनेगा क ए ई ल ह्रीम। मैं लिख के बता देता हूं एक दफे अपनी बात। एम रीम क्लीम। तो अब वो क्या कह रहा है, क ए ई ल रीम, ठीक है जी। अब ये आई कैसे लिखा जाएगा, अ प्लस ए। ए कैसे लिखा जाता है, अ प्लस ई, तो ई या ई इसके तौर पे। तो ये जो अक्षर है क ए ई ला ह्रीम, तो ह्रीम से तो ह्रीम आ गया एज इट इज। ये क्लीम में क और ला, तो ये क और ला हो गया। फिर क्लीम में फिर बड़ी की मात्रा ये यहाँ हो गई, ए जो है वो ये हो गया, तो क ए ई ला ह्रीम, ये ऐसे बना। अब अगर मैंने इस मंत्र को चेंज कर दिया और मैंने इसको कर दिया श्रीम ह्रीम और क्लीम, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, श्रीम लिखूंगा मैं श र ई और अ, ह्रीम लिखूंगा ह र ई और अ, क्लीम लिखूंगा क ल ई और अ। तो मेरे कॉमन अल्फाबेट्स कौन से हो गए, श क ल ह र ई और अ, यही हुए ना कॉमन अल्फाबेट्स। ऊपर जो है जितने लिखे हैं जैसे श र ई आ है, तो ई आ यहां भी कट गया, यहां भी कट गया, र कट गया। तो अब हमारे पास कौन से बचे, श क ल ह र ई आ, यही तो बचे। तो अब मैंने इसको हटा दिया और मैं इसको कैसे प्रोनाउंस करता हूं, ये बन गया शकल ह्रीम। ह र ई एम ही एम ई आ शकल ह्रीम ही हो गया ना। तो ये श्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम है शकल ह्रीम। अब मैं इसे शकल ह्रीम लिखना चाहूं तो शकल ह्रीम लिख सकता हूं, इसे मैं ह क ल श्रीम भी लिख सकता हूं। यही अक्षरों को मैंने आगे पीछे कर दिया। इसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ह श र क्लीम, हजर क्लीम। तो ये श्रीम रीम क्लीम के लिए तीन बीज मंत्र बन गए, शकल ह्रीम हकल श्रीम हशर क्लीम। बट श्री विद्या साधना के लिए ये हकल श्रीम चलेगा। अच्छा, क्योंकि अगर श्री विद्या साधना है तो श्री तो लिखा होना चाहिए ना उसमें। हाँ, बराबर। अगर श्री नहीं लिखा तो फिर कैसे श्री विद्या, शकल ह्रीम इसलिए श्री विद्या नहीं हो सकता। ये हेलो, हम अपने हर एक काम को अगर सोच समझ के करें तो हमें सारी जगह का रास्ता मिल सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई हमें बताए बताए। तो इसलिए मैं इस पूरी प्रक्रिया को ऐसे करता हूं मैं। ठीक है ना जी। हाँ, जी और कोई क्वेरी सर? आपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप इंप्रूव होने के लिए क्या बताया था? विष्णु लक्ष्मी सूक्त और हस्बैंड वाइफ दिस थिंग। देखो जी, बड़ा सिंपल सी बात है, हस्बैंड हो विष्णु जी। सर आपका आवाज तो प्रॉस
मैं कह रहा हूँ हस्बैंड हो विष्णु जी के जैसा और वाइफ हो लक्ष्मी जी के जैसी, तो प्रोस्पेरिटी तो आएगी आएगी ना। तो बस ये करने को बोलना है, लाइक हस्बैंड वाइफ दोनों करेंगे या कोई और भी उनके लिए कर सकता है? मतलब वो कोई और भी कर सकता है, हस्बैंड वाइफ करे तो बहुत ही अच्छा है। और मतलब आपने ये भेजा है विष्णु लक्ष्मी से? हाँ भेजा है, मैं पीडीएफ है। हाँ अभी कल ही भेजा था शायद, कल या परसों में ही। 4-5 days हो गए। आपने बोला था कि शादी नहीं हो रही है तो भी वो पढ़ सकता है, तो मैंने मेरे नेबर को भी फॉरवर्ड किया। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो उनको वो लिखना है सर के बोलना है क्या है, मतलब I haven't gone through the PDF, इसलिए मैं। देखो जी मेरे वाले प्रोसेस में तो सिर्फ लिखना होता है। ओके हाँ मेरे वाले प्रोसेस में हर चीज लिखने की है, उच्चारण करने की नहीं है। मैं एक फिर बार भी भेज देता हूँ। इज इक्वल टू 10 times रीडिंग। हाँ तो ये एक ही बार लिखना है? देखो इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि इसको व्यक्ति रोज लिखे, या फिर लिखे एक बार और इसकी एनर्जी रोज उठा उठा के डालता रहे। ओके तो इसका अच्छा। बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो इसको ये मतलब मैंने ये पीडीएफ पढ़ा ही नहीं है, आई विल हैव टू गो थ्रू। तो उसमें आपने ये जैसे मंत्र दिए वैसा है या आई मीन कितने पेजेस का? श्लोक टाइप है, श्लोक टाइप है। बाबा कैन यू सेंड मी राइट नाउ? भेज दिया मैंने ही, भेज दिया अभी 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 डाला है। हाँ 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 यस दिखा सर। अच्छा ये उसको उनको पूरा एक बार लिखना है, दो बार लिखना है या रोज एक बार लिखना है? देखिए ऐसा है कि अगर ये मतलब किसी भी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिसको हीलिंग और क्लीनिंग के बारे में नहीं पता है, तो उसको बोलिए उसको रोज लिखना ही है ये। अच्छा और अगर वो नहीं लिखे, वो नहीं बोले तो? नहीं लिखना तो है ही, बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ओके ठीक है सर। हमारे पूरा प्रोसीजर जो है ना लिखने से जागता है। अच्छा सो द हस्बैंड वाइफ बोथ हैज टू राइट इट राइट? हाँ मतलब दोनों में से मिनिमम एक जना तो लिखे ना। ओके ओके ओके। और आपने ये जैसे लिखा है जो रेड में है वो रेड में होना चाहिए? मैं पूरा रेड से ही लिखवाता हूँ हर एक चीज। अच्छा नहीं वो आपने अभी जो इमेजेस भेजे उसमें रेड ब्लू था इसलिए मैंने पूछा। नहीं वो तो वो रेड ब्लू तो मतलब मैं वहाँ वो श्री सूक्त और पुरुष सूक्त लिख रहा था मैं, तो उसमें मैंने वो बीज मंत्र जोड़े हैं तो इसलिए हाँ। उसको रेड कलर से हाईलाइट कर दिया। अच्छा और वैसे भी ना लक्ष्मी और विष्णु या श्री और पुरुष के बीच में रिलेशनशिप ब्लू और रेड जैसा ही है। लक्ष्मी जी रेड कलर की है और पुरुष सूक्त में पुरुष जो है वो ब्लू कलर का है। तो ये श्री पुरुष सूक्त मतलब वो एक ही है जो आप बोल रहे हो? श्री अच्छा देखिए श्री 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 पुरुष सूक्त जो है ये भी रिलेशनशिप में काम करता है, बट ब्रॉडली इसका ऑब्जेक्टिव है To broaden the horizons. मतलब अच्छा। कि जब भी कभी आप देखें किसी को भी कि रिलेशनशिप इशू है और दोनों जने बड़ी छोटी सोच रखते हैं, उनकी सोच ही बड़ी नहीं हो रही है। अच्छा। बहुत छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो श्री पुरुष सूक्त जो है वो उनको लिखना देने से उनके होराइजन ही ब्रॉडन होना शुरू होते हैं। तो जब सोच बड़ी हो जाती है तो झगड़ा करने का एस्पेक्ट भी बड़ा हो जाता है। अच्छा ओके ओके सर ठीक है। नहीं व्हाट आई वाज थिंकिंग मतलब मेरे दो फ्रेंड्स है तो वो जो हस्बैंड है उनकी जॉब चली गई है बिकॉज ऑफ द कोरोना। ओके तो मुझे उनको ये बोलना था कि आप ये मंत्र रोज एक बार लिखो और आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर मैं उनको बोलूँ बिकॉज वो हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं एंड देट वाइफ वॉज टॉकिंग टू मी सारोजा मतलब कि मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आई जस्ट थॉट कि मैं आप ही को पूछ लूं कि सर उन्होंने क्या करना चाहिए। देखो जी आपके आपकी हाँ। डोमेन के लिए ना मैं एक चीज ये बोलूंगा आप हाँ। कुछ दिन जो है ना जूम पर एक सेमिनार के तौर पे प्लान करिए और हाँ। उन सारे लोगों को जोड़ के ना उनकी एक एक की प्रॉब्लम जो है वो सामने रखिए। जहां जहां हमारे को एनर्जी स्कैन करने की जरूरत है वहां हम एनर्जी स्कैन करके बता सकते हैं, जहां केवल रेमेडी देने की जरूरत है वहां हम रेमेडी देकर भी काम मत कर सकते हैं।
जितनी ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉब्लम विजाविज सॉल्यूशन को डॉक्यूमेंट कर पाएंगे ना, उतना ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जर्नल बन जाएगा। मतलब आपके पास तो अगर बोले तो 100 केस हंसते हंसते निकल आएंगे, हमारे पास नहीं निकलेंगे 100 केस आपके पास, लेकिन उन 100 केसेस के हिसाब से प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो अगर आप हमारे को प्रॉब्लम बताएंगे और उसको डॉक्यूमेंट करते चलेंगे कि ये बंदा, ये बंदी, ये इनकी प्रॉब्लम, इनको ये बीज मंत्र दिया गया, ये प्रक्रिया से दिया गया, अब इनको सिर्फ साल भर तक मॉनिटर करना है, तो आप उस डेवलपमेंट को 100 लोगों पर भी स्केल अप कर सकते हो कि आप, मैंने आपको कोई सॉल्यूशन बताया तो वो 100 जनों पर अलग अलग उसके इम्पैक्ट्स मॉनिटर करे जा सकते हैं। जबकि अगर हम करेंगे तो हमारा इतना बढ़िया नहीं होगा काम। तो मैं इन सारे लोगों का एक रूम मीटिंग लूं, ऐसे आप कह रहे हैं? हाँ, मतलब कि जब जब कोई व्यक्ति जो है उसके तौर पर हो, उसका एक जूम मीटिंग लेने के हिसाब से एक दिन फिक्स कर लीजिए। हम भले ही इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट इन सब लोगों को जब हम रेमेडी देंगे, और आप वो रेमेडीज जो है ना, उन वीडियोस को डॉक्यूमेंट कर लीजिए अपने पास में कि हाँ, ये जितने भी वीडियोस हैं, ये सारे लोगों ने ये इसको करा भी या नहीं करा। अच्छा, तो उसके बाद हो जाएगा। ओके। और सर मुझे दूसरा पूछना था, लाइक जैसे आप बोल रहे थे कि मैं जब मेरे क्लिनिक में ये मेडिटेशन कर रही थी तो आई वाज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड एंड ऑल, ओके, लेकिन वही आज अभी जब मैं इधर मेडिटेशन कर रही हूँ, आई एम मोर कॉन्सेंट्रेटेड एंड आई एम मोर क्लियर विद द थॉट और जो भी मुझे दिखाई देता है। तो अगर मुझे मेरी क्लिनिक का एनर्जी बढ़ाना है सो दैट माई चिल्ड्रन विल गो विथ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड एनर्जी, तो उसके लिए मैंने क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको ना, जितने भी बच्चे आपके यहाँ लिख सकते हैं उनको वर्कशीट दे दीजिए, उन्हें रेड कलर का पेन दे दीजिए और हाँ। उन्हें बोलिए श्रीम लिखें। जो बच्चे कलर करते हैं उनके हाथ में कलर दे दीजिए और उन्हें बोलिए श्रीम लिखें, और रोज उन बच्चों से श्रीम लिखवाइए, और वो श्रीम वाली शीट्स जो है वो एक जगह एक बॉक्स में इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। विद इन 40 days यू विल फाइंड अ सी चेंज इन योर सिस्टम। जितने भी पेरेंट्स आपके आते हैं उनको बोलिए कि जितनी देर वो वेट करते हैं अपने बच्चों के लिए, उतनी देर वहां बैठ के रेड कलर के पेन से श्रीम लिखना शुरू कर दें वो। उससे क्या होगा कि उनकी क्वेश्चन और स्ट्रेस जो है वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो वो जितने भी शीट्स वो लिख रहे हैं, वो शीट्स अपने यहाँ जो है एक बॉक्स बना लीजिए, उसमें वो रखवाना शुरू कर दीजिए श्रीम शीट्स, और वो बॉक्स जो है आप अपने ऑफिस के ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। तो आप देखेंगे आपके पूरे पूरे ऑफिस की ना जो एनर्जी है वो